हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं चैप्टर ऑल समर इन अ डे। और आप समर का मतलब जानते हैं गर्मी, जो हमारे टेम्परेचर हाई रहता है, हॉट सीजन्स होते हैं, है ना। गर्मी के दिन कई महीने होती है, गर्मी पड़ती है इंडिया में तो। और इन अ डे का मतलब एक दिन में, और ऑल का मतलब सब का सब। तो इसका मतलब सारी की सारी गर्मी सिर्फ एक दिन में ही पड़ती है, उसके बाद गर्मी के दिन ख़त्म। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये साइंस फिक्शन है, मतलब एक साईफाई ये स्टोरी है। और इसके राइटर एक बहुत ही जायंट साइंस फिक्शन स्टोरी राइटर माने जाते हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से ये जो हमारा जो टाइटल है इस स्टोरी का कैसे जस्टिफाई होता है, वो हम स्टोरी में देखेंगे। लेकिन हमें अपने कलीग से, जो हमारे साथ रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जो हमारी कंपनी में रहते हैं, अगर आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास में जो फेलो स्टूडेंट्स होते हैं, या फेलो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं उस स्कूल के और भी हैं, या कहीं के भी किसी भी सोसाइटी में आप रहते हो, तो हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरों के आइडियाज़ की कदर करना चाहिए, अपनी बात को किसी पर थोपना नहीं चाहिए। मतलब यू शुड नॉट बिहेव लाइक अ बुली एंड शुड गिव सम स्पेस टू अदर पीपल आल्सो, टू देयर थॉट्स आल्सो एंड थिंक। सोचना चाहिए कि हाँ, उनकी बातें कितनी सही हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, लेकिन वॉट एवर यू कन्वे इन अ रिस्पेक्टेबल मैनर। तो वो भी एक लेसन है इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा गया इसके अंदर। तो सबसे पहले तो पॉन्डरी करना है, मतलब हमको सोचना है। लर्निंग हाउ टू ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये ग्रोइंग अप का मतलब ये है कि जब आप बड़े हो रहे होते हो उम्र में, ना, छोटे हो फिर धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो, तो आपकी ग्रोइंग अप का यानी आपकी परवरिश का एक हिस्सा होना चाहिए, बड़ा हिस्सा होना चाहिए कि दूसरों की रिस्पेक्ट करना। ये बच्चों को संस्कार पेरेंट्स को ज़रूर देना चाहिए। और अगर आप फ्रेंड्स हैं आपस में, तो एक दूसरे को, फ्रेंड को भी अपने दूसरे फ्रेंड को बताना चाहिए कि रिस्पेक्ट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हैबिट्स। ऑल ऑफ अस नीड अ रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब जो हमको चीज़ याद दिलाने का काम करे, रिमाइंडर एवरी नाउ एंड देन। जब तब हमें याद दिलाने की कोशिश की जाती है कि क्या सही है क्या नहीं है, मतलब व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट, क्या उचित है क्या अनुचित है, व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड। ये सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स हमें मतलब रिमाइंड कराते रहते हैं, है ना। होता है ना, कभी कभी बहुत ख़राब भी लगता है कि हम इतने बच्चे हैं, इतना समझते नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखिए हम गुस्सा करते हैं और चोरी भी कर लेते हैं और किसी को दुख भी पहुंचा देते हैं, किसी की हंसी भी उड़ा देते हैं, किसी को चिढ़ा भी देते हैं। तो उस पर अगर कोई टोकता है तो हमें ख़राब भी लगता है, लेकिन ये सिर्फ हमारे अंदर अच्छी हैबिट डालने के लिए किया जाता है। अ न्यू स्टूडेंट इज़ हैविंग ट्रबल फिटिंग इन योर क्लास। हम मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, नया स्टूडेंट है आपकी क्लास में, मतलब स्कूल में नया एडमिशन लेता है, आपकी क्लास में उसका एडमिशन होता आता है। अब उसका तो आप देखते हो किस तरह का बिहेव और क्लास के बच्चे करते हैं, एक मिक्स्ड बिहेवियर देखने को मिलता है। कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं, मतलब आपके, जो हंसना शुरू कर देते हैं, सामने नहीं तो पीठ पीछे हंसना शुरू कर देते हैं, बिहाइंड इज बैक, कुछ चिढ़ाने का काम करते हैं, कुछ मतलब लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, शकल से कैसा है, फेयर कम्प्लेक्सन है, डार्क कम्प्लेक्सन है, दांत कैसे हैं, मतलब उसकी बनावट पर तरह तरह के कमेंट्स पास होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी हो जो बहुत सपोर्टिव होते हैं और उसे स्पेस देते हैं, अपने पास बैठाते हैं, उसे क्लास में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो देर में एडमिशन लिया उसने तो उसे कोर्स को पूरा कराने की मदद करते हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स आर विजिबल इन दिस वन क्लास। तो एक क्लास आपकी एक दुनिया है जहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, सारी तरह के बिहेवियर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप क्या करोगे? मान लीजिए अगर इस तरह का कोई स्टूडेंट आता है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक आपको एक्सरसाइज दी गई है करने के लिए कि अगर वो आपका फ्रेंड है तो आपको बड़ी हो जाएगा, और अगर आपको दबाने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है, धमकाने की कोशिश करता है, और आपको डरा धमका के कोई काम ज़बरदस्ती कराने की कोशिश करता है, तो बुली हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है, मतलब रीड ईच स्टेटमेंट, और आप पता करिए कि वो बड़ी है तो उसका हैप्पी फेस होना चाहिए, क्योंकि भाई आप बड़ी किसे बनाओगे? जो आपको खुश रखे, जो आपको हमेशा डराता धमकाता रहे, तो आपका वो कैसे, हाउ कैन ही और शी बी बड़ी। इफ़ इट डिस्क्राइब्स बुली, अगर आपको लगता है कि नहीं वो बुली टाइप का बिहेवियर है, तो उसका आप सैड फेस पर आप कलर करिए। तो जैसे मैं इसमें एक दो कर देता हूँ आपके लिए। जैसे अब ये है कि केयर्स अबाउट हाउ अदर पीपल फील, मतलब ये जो व्यक्ति है वो हमेशा ख्याल करता है कि दूसरा व्यक्ति, अगर मैं बोलूँगा उससे, कोई मैं बिहेव करूँगा तो उसे कैसा फ़ील होगा, मतलब दूसरों की फीलिंग की कदर है, तो भाई तो मेरा बड़ी होगा। हाँ, अगर आप बुली टाइप के व्यक्ति हैं तो आप कहेंगे तो बेकार है, मुझे तो इसका उल्टा वाला व्यक्ति चाहिए, तो आप इसको कलर कर दीजिए। इट डिपेंड्स ऑन यू। और हो सके तो आप शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, बट यू सेंड मी बाय मेल, और हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी चैनल पर दिया गया, वहाँ पर भेजिए। और अगर ऐसा कुछ आ जाता है कुछ बच्चों के, तो मैं उनको ज़रूर एक वीडियो में शामिल करूँगा उनके नाम के साथ। इफ़ दे सेंड द फोटोज़ देन आई विल अटैच द फोटोज़ विद देयर दिस एक्सरसाइज। ओके, यहाँ पे ट्राइज टू मेक अदर्स लुक डम्ब और नोट, मतलब दूसरे को डरा धमका के उसको ऐसा बना देते हैं जैसे गूंगा टाइप का, उसके सामने उसकी बोली नहीं निकलती है, तो वो कूल भी नहीं है वो व्यक्ति। तो भैया ये तो मुझे ख़राब लगता है, मैं इसको डिफरेंट कलर से करूँगा, रेड कलर कर दूँगा, मतलब आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको करना है यहाँ पे, है ना। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि इस काइंड एंड रिस्पेक्टफुल, बहुत ही काइंड भी है, बहुत रिस्पेक्टफुल भी है, तो भाई मैं इसको क्यों क्लिक करूँगा, मैं इसको करूँगा कलर, तो ग्रीन सिग्नल दे देते हैं इसको। तो ये मेरी एक्सरसाइज के 2-3 मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको। टेक्स्ट टर्न्स एंड शेयर्स सबको बारी का मौका देता है, मतलब शेयर भी करता है और लोगों को भी मौका देता है बोलने का, पार्टिसिपेट करने का। तो भाई तो ये बड़ी हो जाएगा मेरा। कॉल्स पीपल मीन नेम्स, मीन मतलब बहुत ही नीचा दिखाने वाले, तो लोगों को चिढ़ाता है, भैया वो तो मेरा बड़ी नहीं होगा। देखिए कुछ हद तक तो चलता है फ़नी टाइप का, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं रेड कलर में ये करूँगा, ही इज़ नॉट माई बड़ी, ही इज़ अ बुली, ओके, ही बुलीज द पर्सन। ए जलेब स्टोरी में मूव करते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। वुड यू लाइक टू लीव अर्थ एंड गो, जैसे मैंने बताया एक साइंस फिक्शन है। क्या अर्थ को छोड़कर आप दूसरे ग्रहों पर जाना चाहोगे, एक्सप्लोर लाइफ, वहाँ पे लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहोगे अदर प्लैनेट्स पे, कमेंट। तो भाई आप लाइव क्लास तो है नहीं, मैं आपके कमेंट लेता। डू यू थिंक द वेदर कैन हैव एन इफेक्ट ऑन पीपल्स मूड्स, क्या आपको लगता है कि अगर हम घर के बाहर निकलते हैं तो जो मौसम होता है उसका हमारे मूड पर असर पड़ता है, इसको डिस्कस करना है। तो भाई लाइव क्लास नहीं, मैं डिस्कस कर लेता। इसके अलावा ये कोट है, मतलब यहाँ देखिए कोटेशन के निशान है यहाँ पे, तो इसे आप खुद ढूंढिए और बताइए कि किसकी कोट है। चलिए हम सीधा एंटर करते हैं स्टोरी में। नाउ रे डगलस ब्रैडबरी, ग्रेट साइंटिफिक फिक्शन राइटर, साईफाई राइटर हैं, जब टॉप मोस्ट रैंकिंग दी जाती है। तो सबसे पहले तो किसका नाम आपके दिमाग में आता है, H.G. वेल्स का नाम आता है ना। उनकी बहुत ही फेमस बुक है, नावल है ना, क्या नाम है उसका, टाइम मशीन, ओके। तो इन्हें तो फादर ऑफ साइंस फिक्शन या साईफाई राइटिंग का फादर भी कहा जाता है, समटाइम्स प्रॉफिट ऑफ साइंस फिक्शन राइटिंग्स एट्सेट्रा। और ये जो टाइटल है ये 2-3 शुरू के राइटर्स उनको दिया जाता है। इसमें आइजैक एसिमोव, जिनको आप 9th में पढ़ेंगे, द फन दे हैड, अगर बुक चेंज नहीं होती है तो उसी ग्रेट राइटर्स में, साईफाई राइटर्स में ये भी आते हैं। रे डगलस ब्रैडबरी, इनकी बहुत अमेरिकन ऑथर है, इनकी बहुत ही फेमस नावल है फ़ॉरेनहाइट 451। ये डिस्टोपियन नावल है। देखिए डिस्टोपियन अपोजिट है यूटोपियन का, ठीक है। यूटोपियन का मतलब होता है कि जो भी हम एक ड्रीम वर्ल्ड रखते हैं जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, हमारा ड्रीम का हमारे सपनों का संसार, वो यूटोपियन है। और उसी में सारी चीज़ें बैड जैसी नज़र आती हैं, मनहूस नज़र आता है, तो डिस्टोपियन हो जाएगा। द फ़ॉरेनहाइट उनकी इसी प्रकार की नावल है जिसमें दिखाया गया कि टेक्नोलॉजी, सोचिए 1953 में नावल लिखी थी है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 2021 में बन रहा है, 1 जून है आज तारीख जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सोचिए उस समय टीवी का अभी शुरुआती हुई थी और तब उन्होंने महसूस कर लिया था कि टेक्नोलॉजी आदमी को, मतलब ह्यूमन माइंड को कहाँ तक नुकसान पहुँचा सकती है। तो फ़ॉरेनहाइट 451 में उन्होंने यही दिखाया कि टेक्नोलॉजी इट इज़ हार्मफुल फॉर मैन। और आज भी इस पर डिबेट हो सकता है कि हाँ टेक्नोलॉजी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है। तो इस तरह यहाँ पे टेक्नोलॉजी को एक बैड हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग दिखाया गया, दैट इज़ वाई इट इज़ डिस्टोपियन, मतलब उसमें सब कुछ खराब ही खराब दिखाया गया टेक्नोलॉजी लेके आती है मनुष्य के लिए। लेकिन हमारा विषय नहीं है इस लेसन में, हमें जो पढ़ना है वो आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने हॉरर स्टोरी कलेक्शंस भी हैं उनकी, जैसे द मार्शियन क्रॉनिकल्स, और एक बहुत ही सेलिब्रेटेड राइटर थे 21st सेंचुरी अमेरिकन राइटर, क्योंकि देखिए इनका जो लाइफ स्पैन है बहुत पुराना नहीं, 2012 तक तो जीवित ही थे। और टेलीविज़न स्क्रिप्ट्स में भी उनका योगदान, जैसे मॉबी डिक है, इट केम फ्रॉम आउटर स्पेस, आप चाहें तो इसे सर्च करके देख सकते हैं। और फिल्म फॉर्मेट्स में भी कन्वर्ट की गई उनकी राइटिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी रेडी, देखिए यहाँ पे कोटेशन मार्क है, इसका मतलब ये डायलॉग्स हैं। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, नाउ, तुरंत, अभी, जल्द। डू द साइंटिस्ट रियली नो, क्या साइंटिस्ट को वास्तव में पता है। विल इट हैपन टुडे, विल इट, क्या आज वास्तव में होगा, ऐसा होगा क्या। मतलब देखिए शुरुआत ऐसी है जिसमें क्यूरियसिटी दिखाई गई है कि यहाँ पे सब लोग क्यूरियस हैं किसी चीज़ को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। और वो लोग इनक्रेडिबल भी इसको मान रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि साइंटिस्ट क्या जानते हैं वास्तव में कि ऐसा होगा आज। तो क्या होने जा रहा है आगे देखते हैं। लुक लुक, सी फॉर योरसेल्फ, अरे खुद ही देख लो, अपने आप ही देख लो। चिल्ड्रन प्रेस टू ईच अदर, मतलब देखिए यहाँ पे जो आपको इमेज दिखाई दे रही है तो एक दूसरे को दबाते हुए आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आगे निकल के देख लूँ, मैं आगे निकल के देख लूँ। तो चिल्ड्रन प्रेस टू ईच अदर लाइक सो मेनी रोजेज़, जैसे फूल। देखिए चिल्ड्रन की बॉडी कोई हार्ड तो होती नहीं है, सॉफ्ट होती है, तो रोजेज़ से उनकी यहाँ पे कंपेयर किया गया है। सो मैनी वीड्स, देखिए वीड्स होते हैं खरपतवार जो प्लांट्स की लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें निकालना जरूरी होता है अगर हमें प्लांट की ग्रोथ चाहिए होती है। इंटरमिक्स्ड मतलब आपस में मिक्स हो जाना, पियरिंग मतलब झाँक कर देखने की कोशिश करना, कंटिन्यूसली, और आउट फॉर अ लुक एट द हिडन सन। ओ, यहाँ सन की बात है, सन छुपा हुआ है, वो निकलने वाला है, उसे देखने के लिए लोगों ने लाइन लगाई हुई है, एक दूसरे को दबाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे रोजेज एंड वीड्स क्यों लिखा है? इसका अलावा इसमें कुछ अच्छे बच्चे भी होंगे और कुछ थोड़ा सा परेशान करने वाले भी होंगे, बुली टाइप के। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हेयर। तो लेकिन सब लोग यहाँ पे लाइन लगाए खड़े हुए हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं। इट रेन्ड, पानी बरस रहा था। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 7 साल से पानी बरस रहा था। देखिए, मैंने बताया साइंस फिक्शन है, मैंने शुरू में इसकी स्टोरी आपको नहीं बताई, बस इतना बताया कि हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए दूसरों के थॉट्स, दूसरों के आइडियाज़, दूसरे के ओपिनियंस के प्रति भी, और अगर आप डिसएग्री करते हो तो उसे ढंग से कन्वे करो, दूसरे की फीलिंग का भी ख्याल रखना चाहिए। और ये साइंस फिक्शन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब धीरे धीरे यहाँ पर अनफोल्ड होगी स्टोरी। तो 7 साल से पानी बरस रहा था। आप जानते हैं कि पानी बरसता है तो सूर्य दिखाई नहीं देता, जनरली यही होता है, बादल छाए रहते हैं। थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ डेज़, हजारों हजारों दिनों से सिर्फ पानी बरस रहा है। अब देखिए, किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा तो 7 साल का जब तक वो हुआ होगा उसने पानी देखा होगा अपने आसपास। कंपाउंडेड एंड फील्ड फ्रॉम वन एंड टू अदर विद रेन। देखिए, कंपाउंड एक तो वो होता है कैंपस, जैसे आपका स्कूल का कंपाउंड है, लेकिन एक कंपाउंड उसे भी कहते हैं, मतलब वर्ब के रूप में, जब किसी परेशानी को हम बढ़ा देते हैं, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी हम करें कि जो पहले से परेशानी है वो और ज़्यादा वो इंटेंस हो जाए, प्रॉब्लम और बढ़ जाए। दैट इज़ आर कंपाउंडेड एंड फील्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर विद रेन। तो यहाँ पर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेज कंपाउंडेड, मतलब यहाँ पर ये है कि रेन में हजारों हजारों दिन से जो पानी बरस रहा है, तो हर दिन जो रेन वाटर की जो क्वांटिटी थी उसमें ऐड कर रहा था, जिससे कि रेन वाटर जगह जगह फैला नजर आ रहा था, उसकी प्रॉब्लम को बढ़ा रहा था। एंड फ्लिड फ्रॉम वन एंड टू अदर, मतलब इस तरफ देखो चाहे उस तरफ देखो, पानी नज़र आ रहा था वर्षा की वजह से। द ड्रम एंड गश ऑफ वाटर, तो चाहे वो नीचे पानी बिखरा हुआ हो, चाहे वो ड्रम हो पानी से भरा हुआ हो। गश ऑफ वाटर, देखिए आपने देखा होगा छत पे कभी कभी पानी काफ़ी ज़्यादा भर जाता है और जो स्पाउट होता है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लॉक्ड हो जाता है, जब उसको खोलते हैं तो धार पानी निकलना शुरू होता है। दिस इज़ कॉल्ड गशिंग ऑफ वाटर। किसी पाइप से आपने देखा होगा रेनी सीजन में पानी बहुत तेज़ी से निकलता है, दिस इज़ कॉल्ड गशिंग ऑफ वाटर। तो इस तरह से भरभरा के काफ़ी ज़्यादा तादाद में जब वाटर तेज़ी से स्पीड से निकलता है, दिस इज गश ऑफ वाटर। विद द स्वीट क्रिस्टल फॉल ऑफ शावर्स, देखिए क्रिस्टल फॉल होता है बहुत ही महीन और स्मॉल पीसेस जो बहुत ही क्लियर हों। एक प्रकार से आप देखें तो शुगर है, या अगर आप नमक भी लेते हो तो नमक के भी कण है ना, तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। तो स्वीट का मतलब मीठे, और मीठे का मतलब जो हमें अच्छा लगे, और शावर का मतलब पानी की बौछार। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि जो रेन है बहुत तेज़ी से बरसती है या हल्के बरसती है, लेकिन शावर से पता चलता है कि बौछार हमेशा पड़ती रहती थी, और बौछार नुकसान नहीं पहुँचाती, मतलब इट इज़ सॉफ्ट ऑन आवर बॉडी एंड वी लाइक इट, दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हियर स्वीट। तो छोटी छोटी जो पानी की जो बूंदें हैं ना, वो वाटरी होती हैं, मतलब ग्लास कलर में होती हैं, तो उन्हीं को क्रिस्टल यहाँ बताया गया है। तो क्रिस्टल की शावर होती है। एंड द कंकशन, देखिए मान लीजिए आपके सर में चोट लग गई तो झटका लग जाता है, तो अंदर की चोट को भी कंकशन कहा जाता है। पर यहाँ पे जो कंकशन का मीनिंग लिखा गया है कि वायलेंट शेकिंग, किसी चीज़ को झटका देना, हिला देना, दैट इज़ कॉल्ड कंकशन। और एक कंकशन किसका? स्टॉर्म्स का है। सो हैवी दे वर टाइडल वेव्स, अच्छा हाँ तूफान बहुत आते थे, और हैवी मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग तूफान आते थे जो नुकसान पहुंचा सकते थे। दे वर टाइडल वेव्स। और उसके अलावा देखिए जो समुद्र होता है ना, तो समुद्र में समुद्र का पानी उफान लेता है, तो टाइड्स कहलाती हैं। तो उस स्थिति में जो समुद्र के जो किनारे होते हैं ना, उनको भी उलांग के यहाँ चलाता है। जो मुंबई में रहते होंगे उन्होंने देखा हो किस प्रकार से टाइड्स होती हैं, दोपहर को रोज़ देखने को मिलती हैं। तो उस प्रकार से जो टाइडल वेव्स हैं, लहर, वो आइलैंड्स के ऊपर तक चली आती हैं, है ना। देखिए आइलैंड्स क्या होते हैं, चारों तरफ समुद्र है, बीच में आइलैंड है, तो वैसे तो नॉर्मल पानी है, लेकिन जब उछाल लेगा तो आइलैंड के ऊपर चला आएगा। और ये शायद किसी आइलैंड पर रहते होंगे, हो सकता है। अ 1000 फॉरेस्ट हैड बीन क्रश्ड, हजारों हजारों जंगल बर्बाद हो गए, जैसे कुचल दिया जाता है ना, क्रश कर दिया जाता है। अंडर द रेन, इस पानी की वजह से। एंड ग्रोन अप 1000 टाइम्स टू बी क्रश्ड अगेन, इसका क्या मतलब समझे आप? हजारों हजारों पेड़ तो नष्ट हो चुके हैं, और चूँकि पानी की वजह से हजारों हजारों पेड़ नए जन्म भी लेते हैं, तो फॉरेस्ट बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो एक प्रकार से फॉरेस्ट की कंटिन्यूटी बनी रहती है, ये यहाँ पे है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि रेन वाटर में देखिए घास पतवार सब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड दिस वाज द वे लाइफ वाज फॉर एवर ऑन द प्लेनेट, प्लेनेट वीनस पे यही लाइफ थी, चारों तरफ पानी, पेड़, तूफान, पेड़ों का गिरना, नष्ट होना, नए पेड़ निकल के आना, यही लाइफ थी। एंड दिस वाज द स्कूल रूम ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द रॉकेट मैन एंड वीमेन। देखिए अब पृथ्वी से लोग गए होंगे तो रॉकेट से ही गए होंगे, इसलिए इनको रॉकेट मैन एंड वीमेन कहा गया है। वो हैड कम टू ए रेनिंग वर्ल्ड, रेनिंग वर्ल्ड यहाँ पे यही प्लेनेट वीनस है ना, जहाँ पर ये लोग गए हुए हैं। तो चूँकि वहाँ पे 7 साल तक लगातार पानी बरसता है तो इसलिए उसे रेनिंग वर्ल्ड कहा गया। टू सेट अप अ सिविलाइजेशन, लिव आउट देयर लाइफ। और वहाँ ये लोग क्यों गए पृथ्वी से, रॉकेट मैन एंड वीमेन क्यों गए वहाँ पर प्लेनेट वीनस पे? क्योंकि वहाँ पर वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को स्प्रेड करना चाहते हैं और अपना जीवन बिताना चाहते हैं वहाँ पे। और ये कोई नई चीज़ नहीं, आप जानते हैं कि इंडिया भी ट्राई करता रहता है, और भी जो अमेरिकन और चाइनीज़ और रशियन और जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो अपने मिशन स्पेस में भेजती रहती हैं, मार्स पे एक्सप्लोर करने के लिए सब कुछ। तो ये साइंस फिक्शन है, कुछ फ्यूचर की बात कर रहा है, हो सकता है आगे चल के ऐसा हो भी। और वो जो शुरू में शायद इमेज दिखाई गई थी वो स्कूल रूम था बच्चों का, है ना, किन बच्चों का, उन रॉकेट मैन एंड वीमेन का जो आए हुए थे वीनस प्लेनेट पे एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे जो लोग आए भी होंगे, है ना, वो शायद कुछ चोजन लोग ही होंगे जिन्हें भेजा गया होगा, क्योंकि हर कोई तो नहीं जा सकता इस तरह से। बट एनी वे, दीज वर द चिल्ड्रन ऑफ दीज रॉकेट मैन एंड वीमेन, जिनकी संख्या कम रही होगी। इट इज स्टॉपिंग, रुक रहा है पानी, रुक रहा है। तो यहाँ पर रेन स्टॉप होने की बात हो रही है, 7 साल पूरे हो रहे हैं, एक दिन के लिए सन निकलता है, तो वो दिन आने वाला है। अच्छा, जो बच्चे वहाँ पे थे, अच्छा देखते हैं कि क्या लिखा है। येस, हाँ हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर आता है, मार्गो स्टूड अपार्ट फ्रॉम देम। मार्गो उन लोगों से कुछ अलग ही खड़ी थी, उन लोगों के साथ नहीं थी। फ्रॉम दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों से, मतलब यहाँ पे 2 कैटेगरी मानिए। एक मार्गो नाम का कैरेक्टर है जो कि एक लड़की है, और बाकी चिल्ड्रन को आप अलग कैटेगरी में रखिए। मतलब ये दिस इज़ द ग्रुप ऑफ दी चिल्ड्रन एंड मार्गो इज़ alone, single, separated from them because of some issues जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो Margot stood apart from them, apart मतलब separated from them, उनसे दूर। from these children who could never remember a time, मतलब अच्छा इन बच्चों को वो समय याद नहीं है। remember a time when there was not rain and rain and rain, जब पानी नहीं बरसता था, मतलब इन बच्चों ने अपने जीवन में अभी तक जब से वो वीनस पे आए हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेन को देखा है और कुछ नहीं देखा। दे वर ऑल 9 years old एंड, अच्छा इनकी उम्र लगभग 9 साल है, मतलब ऑल की। दे वर ऑल 9 years old एंड इफ़ देयर हैड बीन अ डे 7 years ago, अगर 7 साल पहले कोई दिन रहा भी होगा, व्हेन द सन केम आउट फॉर एन आवर, जब 1 घंटे के लिए सन निकल कर आया होगा। एंड सोड इट्स फेस टू द स्टर्न वर्ल्ड, देखिए स्टर्न मतलब तो भौचक्का, आश्चर्यचकित रह जाना, हाँ इस टाइप से स्टर्न। तो पूरी दुनिया को जब उसने एक दिन में निकल कर स्तब्ध कर दिया होगा, फेस का मतलब सन का निकल के आना बादलों से बाहर। दे कुड नॉट रिकॉल, रिकॉल का मतलब होता है कोई चीज़ जो बीत गई है और आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड रिकॉलिंग। ये सारे मीनिंग्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो ये तो इन बच्चों के हालात हैं। समटाइम्स, कभी कभी, एट नाइट, रात को, शी हर्ड देम स्टर, कभी कभी उन्हें, स्टर मतलब होता है जैसे, मतलब टू शेक, हिलाना यहाँ वहाँ, दैट इज़ कॉल्ड स्टर। जैसे सब्जी बनती है तो आप उसे चलाते रहते हो, भूंजते रहते हो, योर स्टरिंग द वेजिटेबल। तो कभी कभी उसने, किसने, मार्गो ने उन बच्चों को स्टो होते हुए देखा था, मतलब सो रहे हैं, उनकी आंखें बंद हों और अचानक उनकी बॉडी हिलती थी। इन रिमेम्बरेंस, शायद किसी की याद में। एंड शी न्यू दे वर ड्रीमिंग एंड रिमेम्बरिंग गोल्ड और अ येलो क्रैन, तो वो जानती थी कि ये लोग ड्रीम मतलब सपने देख रहे हैं, और सपनों में क्या चीज़ उन्हें याद आ रही है, कोई गोल्ड जैसी चीज़ याद आ रही है, कोई येलो क्रैन, ये क्रैन होते हैं जो कलर करने में काम आते हैं, या कोई कॉइन उनको नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर गोल्ड हो चाहे येलो क्रैन हो चाहे कॉइन हो, थोड़ा सा सर्किल से रिलेटेड है, लार्ज इनफ टू बाई द वर्ल्ड विद, और जो भी चीज़ है वो इतनी बड़ी है या अमाउंट इतनी ज़्यादा है, मतलब लार्ज इनफ कि वो दुनिया खरीद सकते हैं उससे। देखिए छोटे बच्चों को नहीं पता होता, वो दुनियादारी इतना नहीं जानते हैं, उन्हें तो लगता है कि उनके हाथ में एक सिक्का भी आ गया तो उससे बहुत कुछ खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जैसे सपनों की बात यहाँ पर की गई है, और बच्चे अपने सपनों में कुछ भी मिल जाए तो बहुत खुश होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ दिखाई जा रही है। शी न्यू दे थॉट दे रिमेंबर्ड अ वार्मनेस। दूसरा मीनिंग यहाँ पे भी निकल रहा है जो यहाँ पे लिखा गया है कि शायद उन्हें अपने सपनों में कुछ वार्मनेस मतलब कुछ गर्माहट सी महसूस हो रही हो, लाइक अ ब्लशिंग इन द फेस। देखिए ब्लश का मतलब होता है जब आपके फेस पे एक थोड़ा सा रेड कलर आपके शरीर के अंदर का, जब ब्लड थोड़ा सा रश ज़्यादा करता है तो गाल थोड़ा लाल हो गए, चेहरा लाल हो गया, मतलब ये गुस्से से नहीं, हालांकि गुस्से में भी ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग एम्बैरेस्ड फील करते हैं, थोड़ा शर्माते हैं, है ना, तो भी तो इन द बॉडी, तो बॉडी में भी, फेस में भी, इन द आर्म्स, बाहों में, पैरों में, ट्रेम्बलिंग हैंड, हाथ जो थोड़े से ट्रेम्बल कर रहे हो, ट्रेम्बल मतलब नहीं कि सर्दी लग रही है, काँप रहे हो, यहाँ पे स्टर वाली बात है ना, तो अचानक जो बॉडी उनकी हिलती है। तो यहाँ पर ब्लशिंग एक प्रकार से द एक्सपीरियंसिंग द फीलिंग ऑफ वार्मथ ओवर द बॉडी, तो वो चीज़ यहाँ पे है। बट देन दे ऑलवेज अवोक टू द थैटिंग ड्रम। लेकिन जब भी उनकी आँख खुलती थी, देखिए यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई वो ये है कि अभी चूँकि स्टोरी अनफोल्ड हो रही है तो मार्गो को वास्तव में शी रिमेंबर्ड हाउ द सन लुक्ड बट दीज चिल्ड्रन डोंट। लेकिन चूँकि 9 years ओल्ड हैं तो निश्चित है कि कम से कम 7 साल पहले जब ये सूरज निकला होगा तो 2 साल के रहे होंगे, तो उस समय उन्हें चीज़ें तो याद नहीं आ रही पर उनके जो पेरेंट्स उन्हें बाहर लेके गए होंगे तो सूरज की गर्मी तो उनके शरीर पर ज़रूर पड़ी होगी। तो वो सपने देख रहे हैं पर मार्गो खुद सोच रही है, थॉट में गुम है कि शायद उन्हें ये चीज़ें याद आ रही होंगी। तो मतलब सी इज़ आल्सो गेसिंग, एक प्रकार से सी इज़ डे ड्रीमिंग। द चिल्ड्रेन वुड बी in their dreams would be watching this, visualizing these things, और तभी उनकी बॉडी इस तरह से हिलती होगी। लेकिन जब वो उठते थे तो टैटिंग मतलब ड्रम पे जो रेन की बूंदों की आवाज़ पड़ी ना तो उसकी आवाज़, एंडलेस सेकिंग डाउन ऑफ क्लियर बेड नेकलेस। तो एंडलेस का मतलब होता है कि जो ख़त्म ही ना हो, बराबर चलता रहे। शेकिंग मतलब हिलना, डाउन ऑफ क्लियर बीड नेकलेसेस अपॉन द रूफ। तो जो रूम है, रूम के ऊपर जो सजाने के लिए जो कुछ डाला गया होगा उसमें कुछ बीड्स लगी होंगी, मोती लगे होंगे, तो वो हवा से स्टॉर्म से वो हिलते होंगे तो उनकी आवाज़ आती होगी। तो वही ये क्लियर बीड नेकलेसेस अपॉन द रूफ, द वॉक मतलब जहाँ जहाँ चलने का, चाहे बरामदा हो चाहे वो गैलरी हो, द गार्डन द फॉरेस्ट एंड द ड्रीम्स वर गॉन, सब कुछ ख़त्म। यानी फिर वो वहीं पहुँच गए जहाँ वो वास्तव में रियल में रहते थे, है ना, छोटी सी दुनिया मतलब वॉक, क्योंकि बाहर निकलते नहीं थे वो लोग और सपनों में उड़ान भर रहे थे बाहर की, तो सब खत्म। व्हाट डू यू थिंक देयर ड्रीम्स वर गॉन? अरे बहुत आसान है, ड्रीम्स में कुछ और देख रहे थे और जब वो जगते हैं तो असलियत में उन्हें वो चीज़ें नज़र नहीं आती, दैट इज़ द ड्रीम्स वर गॉन। और दूसरा अर्थ ये भी निकल सकता है कि अब उन्हें मतलब दे आर नॉट गोइंग टू फील द वार्मथ ऑफ द सन, दैट इज़ वाई कि वो बातें सच होने नहीं जा रही नियर फ्यूचर में, तो ड्रीम्स वर गॉन। ऑल यस्टरडे दे हैड रेड इन द क्लास अबाउट द सन, अब कल की ही बात है, पूरे दिन वो लोग सन के बारे में पढ़ रहे थे। अबाउट हाउ लाइक अ लीमन, जैसे एक लीमन, इट वॉज लीमन मतलब नींबू, नींबू की तरह। एंड हाउ हॉट, और कितना गर्म था। एंड दे हैड रिटन स्मॉल स्टोरीज और एसेज और पोएम्स अबाउट इट, और उन्होंने उसके बारे में छोटी छोटी कहानियाँ बनाई थी, एसेज लिखे थे, पोएम्स भी लिखी थी। देखिए अगर हमसे सन के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा जाए तो हम भी लिख सकते हैं, लेकिन इन बच्चों ने सन को अपनी आँखों से देखा नहीं था, वो सिर्फ उसके बारे में पढ़ रहे थे, उसकी फ़ोटोज़ उन्होंने देखी होगी। तो वो बिना देखे हुए मतलब उनको रियल उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा था, तो वो सोच के चीज़ों को बना रहे थे। जैसे आई थिंक द सन इज़ अ फ्लावर दैट ब्लूम्स फॉर जस्ट एन आवर, तो लिख रहे हैं कि मेरे ख्याल से सन एक फूल की तरह है जो खिलता है सिर्फ 1 घंटे के लिए, क्योंकि उन्हें ये तो बताया गया था कि सन जो है वो सिर्फ इट कम्स आउट फॉर ओनली 1 hour। तो इस तरह से लोग बिजी थे सन के बारे में, अपने अपने थाट्स एक्सप्रेस कर रहे थे स्टोरीज़ के माध्यम से, एस्से से। That was Margot's poem। अच्छा ये मार्गो की पोएम थी। Read in quiet voice in the still classroom, देखिए स्टिल मतलब शांत, और क्लासरूम में उसकी वो पोएम पढ़ी गई और बहुत ही हाई फाई, बहुत ही लाउड नहीं, क्वाइट वॉइस में। वेल द रेन वॉज फॉलिंग आउटसाइड, और बाहर पानी बरस रहा था। तो अगर मार्गो ने पोएम पढ़ी होगी तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि जिसने सूरज को एक बार देख लिया और 4 दिन जब सूरज नहीं निकलेगा तो निश्चित है कि वो व्यक्ति जो है डिजेक्टेड और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेगा, और ही और शी विल बी ईगरली वेटिंग फॉर द सन टू कम आउट अगेन इन द स्काई। तो बहुत खुशी खुशी उसको नहीं पड़ती है। ओ यू डिडंट राइट दैट, प्रोटेस्टेड वन ऑफ द बॉयज़, तो उसमें से एक लड़के ने प्रोटेस्ट करते हुए, देखिए यही है बुली, है ना, क्योंकि जो हमने शुरू में पढ़ा था नॉट बडी बट बुली, तो वो विरोध करता उसको ओ करके। आई डिड सेड मार्गो, आई डिड मैंने लिखा, मैंने लिखा है। मार्गो थोड़ा सा वो भी जवाब देती है। विलियम सेड द टीचर, तो टीचर भी थी, उसने कहा विलियम। तो इसका मतलब ये जो लड़का प्रोटेस्ट करता है उसका नाम क्या है, विलियम। बट दैट वाज येस्टरडे, लेकिन वो कल की बात थी। नाउ द रेन वाज स्लैकनिंग, मतलब धीमा पड़ना, किसी चीज़ का लूज होना, दिस इज कॉल्ड स्लैकनिंग, यहाँ मीनिंग लिखा गया। द चिल्ड्रन वर क्रश्ड इन द ग्रेट थिक विंडोज़, तो वही है विंडो थिक थी, मतलब उसके जो शीशे थे काफ़ी मोटे थे, जल्दी स्टॉर्म से इनको नुकसान ना पहुँचे। और चिल्ड्रन वर क्रश्ड इन, क्रश देखिए एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ना, मतलब क्राउडेड टुगेदर, pressing each other, trying to come forward near the window. So that is why it is written here, were crushed in the great thick windows. Where the teacher? She will back. Teacher कहाँ है? वो बहुत जल्दी वापस आने वाली। देखिए वो जो शुरू में हमने डायलॉग स्टार्ट किया था ना, यहाँ पर जो लोग वेट कर रहे थे उसका, तो स्टोरी थोड़ी सी फ्लैशबैक में चली गई, तो वहीं पे हम फिर पहुँच गए जहाँ शुरू में थे। कि बच्चे वहाँ पे ईगरली वेट कर रहे हैं और टीचर का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि टीचर ही उनको बाहर लेके जाएगी, उनकी इजाज़त बगैर उन जा नहीं पाएंगे। शी हैड बेटर हरी वी विल मिस इट। देखिए यहाँ इसका मतलब यह है कि सी हैड कि बेहतर हो कि जल्दी करें वो, नहीं तो हम लोग मिस कर देंगे इसको ना। यहाँ पे वो ईगरली इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन इन द स्काई, जहाँ पे सिर्फ रेन देखने को मिलती थी। दैट इज़ वाई दे वर क्यूरियस टू नो अबाउट इट। और सन जिसके बारे में उन्होंने पढ़ा था वो कैसा दिखता है। दे ऑल टर्न्ड ऑन देमसेल्व्स, मतलब एक दूसरे की तरफ ही मुड़कर वो आगे बढ़ रहे थे। लाइक अ फेवरिस व्हील। देखिए फेवरिस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब बहुत ज़्यादा आप के अंदर उन्माद हो किसी चीज़ को लेके। और व्हील का मतलब पहिया, और टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खा के गिर पड़ना। और स्पोक्स का मतलब जो पहिए के अंदर जो तीलियाँ होती हैं ना, उनका टूट जाना। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग इतना एक्साइटेड थे कि एक दूसरे की तरफ ऐसे बढ़ रहे थे जैसे हम साइकिल चलाएं, और इतने एक्साइटेड होकर चलाएं कि एक दूसरे से भिड़ जाएं, लड़ जाएं, गिर जाएं। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इट वॉज एन एटमोसफेयर ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट टू सी वॉट वॉज गोइंग टू हैपन इन द स्काई। मार्गो स्टूड अलोन, लेकिन मार्गो अकेले खड़ी हुई थी, उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं था क्योंकि शी न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। हाँ, लेकिन उसने भी तो वेट किया होगा ना इतने दिनों से सन के लिए, एक झलक पाने के लिए, लेकिन वो अपने आप को दूसरों से अलग करके चल रही थी क्योंकि शी न्यू कि दे डिड नॉट नो हाउ द सन लुक्ड लाइक इन रियल। तो उनके लिए नज़ारा होने जा रहा था, इसके लिए ऐसा कोई नज़ारा होने नहीं जा रहा था। और आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। सी वॉज वेरी फ्रेल गर्ल। फ्रेल का मतलब बहुत ही वीक। वीक का मतलब मेंटल वीकनेस की बात नहीं है यहाँ पे, कि शी वॉज बॉडली वेरी वीक, बहुत कमज़ोर दिखती थी। हु लुक्ड एज इफ शी हैड बीन लॉस्ट। ऐसा लगता था जैसे वो खो चुकी हो, खो गई हो, कुछ सोच रही हो, गुम हो किसी सोच में। इन द रेन फॉर ईयर्स, ओ इतने सालों से जो रेन बरस रही थी उसी पानी में शायद वो कुछ गुम हो गई हो। उन्हीं रेन्स जो 7 ईयर्स से बरसती चली आ रही थी, उन्हीं पानी के बार बार पानी देख देख के रेन देख देख के शायद उसका जो एक इमोशनल क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया था और वो रिएक्शन शो नहीं करती थी। एंड द रेन हैड वाश्ड आउट द ब्लू फ्रॉम हर आइज़। देखिए ब्लू का मतलब होता है एक्साइटमेंट, यहाँ पर उसकी आँखों से एक्साइटमेंट शायद उस पानी ने धो दिया था, यानी कि उसकी आंखों से जो चमक थी वो गायब कर दी थी। अब ऐसे भी मान लीजिए आपको अगर वही चीज़ बार बार देखने को मिले तो आप भी तो बोर हो जाओगे ना, आपका एक्साइटमेंट उसको लेके ख़त्म हो जाएगा, वही हाल इसका था। एंड द रेड फ्रॉम हर माउथ, और उसके जो मुंह से उसकी लालिमा भी शायद गायब हो गई थी। गायब होने का मतलब यहाँ पे है कि शी हैड बिकम सैड एंड लिस्टलेस एंड डिड नॉट रिएक्ट टू थिंग्स मच। और मुँह आप खोलिए तो देखिए आपका पिंक कलर की जीभ होती है, तो वो एक हेल्दी व्यक्ति की पहचान होती है कि उसके मुंह के अंदर ऑल, चाहे होंठ हो, चाहे वो जीभ हो, चाहे आसपास का जो भी अंदर का मुंह का पार्ट होता है वो रेडिश होता है, पिंकिश होता है, और वो एक हेल्दी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। तो ना तो आंखों में चमक, ना मुंह में कोई टेस्ट जैसी बात थी। एंड द येलो फ्रॉम हर हेयर, और उसके जो बाल थे उसमें से येलोपन भी शायद गायब हो गया था। देखिए वैसे जो ब्लॉन्ड होते हैं तो जो उनके जो बाल होते हैं वो गोल्डन कलर के होते हैं, शायद वहाँ इसकी तरफ इशारा है कि उसके शरीर के चाहे वो हेयर हो, चाहे वो माउथ हो, चाहे उसकी आंखें हो, मतलब उसका पूरा का पूरा जो बॉडी था वो लैक्ड एक्साइटमेंट एंड ए रिएक्शन टू सच एक्साइटमेंट एटमॉस्फेयर दैट ऑल द स्टूडेंट्स वर टम्बलिंग रशिंग टुवर्ड्स ईच अदर टू गेट नियर टू द विंडो पेन टू सी व्हाट वाज गोइंग टू हैपन इन द स्काई हाउ द सन लुक्ड लाइक। शी वाज एन ओल्ड फोटोग्राफ डस्टेड फ्रॉम एन एल्बम। तो देखिए फ़ोटोग्राफ है, उसके ऊपर अगर धूल पड़ गई हो तो ठीक से साफ दिखाई नहीं देती, तो जब आप उस पर से डस्ट हटा देते हो तो वो फ़ोटो थोड़ा ठीक दिखने लगती है। तो वो एकदम फ़ोटोग्राफ की तरह थी, मतलब फ़ोटो जो है वो रिएक्शन शो नहीं करती, बस आपने उसको टांग दिया या कहीं पे आपने चिपका दिया, वो वैसे की वैसी पड़ी हुई है, उसकी आंखों में जान नहीं होती, रिएक्ट नहीं करती। तो उसी प्रकार से एक फ़ोटोग्राफ बन के रह गई थी, अपने उसका जीवन किसी एल्बम में लगे फ़ोटोग्राफ की तरह हो गया था। और उसका सिर्फ एक कारण था कि 7 ईयर से वो सिर्फ एक ही माहौल देख रही थी, दैट वाज रेन। और वो जानती थी कि इसके बाद सन कैसा दिखता था, वो 7 साल से उसे देख भी नहीं पा रही थी। वाइट एंड अवे, यहाँ वाइट एंड अवे से मतलब ये है कि जो कलर होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन सारे कलर धो के सिर्फ वाइट कलर नज़र आना शुरू हो जाए तो वाइट कलर मीन्स वी लूज इंटरेस्ट इन दिस कलर, अगर वो चीज़ पहले से कलरफुल रही हो तो। जैसे गुलाब का फूल है, अगर उसे आपने पिंक कलर में देखा हो और उसके बाद उसे वाइटिश कलर कर दिया जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में। यहाँ इसका यही मीनिंग है कि उसके जीवन से सारे रंग गायब हो चुके थे। एंड जैसे कि एक डेड पर्सन होता है तो उसकी बॉडी तो नज़र आती पर उसमें जान नहीं होती, उसके सेंस रिएक्ट नहीं करते, उसी प्रकार से इसके हालात हो गए थे, उसके जीवन से खुशियाँ गायब थीं। एंड इफ़ शी स्पोक एट ऑल, अगर वो थोड़ा बोलती भी थी, हर वॉइस वुड बी अ घोस्ट, जैसे भूत की आवाज़। अब देखिए भूत की आवाज़ ना मैंने सुनी ना आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जीवित व्यक्ति अगर कोई बात करता है तो हमें वो चीज़ पहचानी सी लगती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल तरीके से बात ना करें और बहुत ही मिस्टीरियस टोन में हम बोलें, जैसे उदाहरण के लिए और भाई क्या हाल चाल है, अब ये नॉर्मल तरीका है, और भाई क्या हाल चाल है, कहाँ थे, तो ये सब घोस्टली लगता है। तो वो देखती कहीं और थी, रिएक्शन शो नहीं करती थी, कोई कुछ बोलता था तो बस एक प्लेन वॉइस में वो घोस्टली आवाज़ निकालते हुए जवाब दे दिया करती थी। नाउ शी स्टूड, अब वो भी वहाँ खड़ी हुई थी, सेपरेट लोगों से अलग थी, स्टेयरिंग, वो भी लगातार स्टेयर कर रही थी, घूर रही थी। एट द रेन, क्योंकि पानी बरस रहा था और उसके बाद ही सन को निकलना था। एंड द लाउड वेट वर्ल्ड बियॉन्ड द ह्यूज ग्लास, देखिए वो बच्चे सब अंदर थे, बाहर ग्लास विंडो पेन पे रहता था, वहीं से वो बाहर नज़ारा देखते थे। और लाउड का मतलब तेज आवाज़, वेट का मतलब गीला, तो लाउड वेट वर्ल्ड का मतलब ये है कि बाहर का संसार जिसमें रेन बरस रही हो तो उसकी वजह से जो आवाज़ क्रिएट हो रही हो वो भी लाउड थी, तेज़ आवाज़ से पानी बरसता रहता था, तूफान चलता रहता था। दैट इज़ वाई हेयर लाउड वर्ल्ड हैज़ बीन यूज एंड वेट बिकॉज इट वाज रेनी आउटसाइड। अब बियॉन्ड मतलब के पार, ह्यूज ग्लास के पार। तो यहाँ पर हमें मार्गो के बारे में ये पता चलता है कि वो अपना पैशन, अपने इमोशंस, अपने रिएक्शंस को खो चुकी थी। वो रेनी सीजन को 7 साल से देखकर एक प्रकार से पागल जैसी उसकी स्थिति हो चुकी थी। उसकी वॉइस में भी इमोशंस नहीं होते थे, प्लेन वॉइस में जवाब देती थी, जीवन के सारे रंग उसके गायब हो चुके थे। शी वॉज लिविंग एज इफ़ अ डेड पर्सन। व्हाट डू यू थिंक मार्गो लुक लाइक एन ओल्ड फोटोग्राफ? देखिए ओल्ड फोटोग्राफ किसकी होती है, या तो आपके पास्ट की होगी, और जो पास्ट बीत चुका है वो लिविंग नहीं है, बीता हुआ। तो ये तो अभी ज़िंदा है, उसके बावजूद भी वो ऐसे लगते हैं जैसे उसके वो अपने बीते हुए समय में खोई हो और कोई रिएक्शन ना शो करती हो, जैसे कि फ़ोटोग्राफ्स रिएक्शन नहीं शो करते। और ओल्ड इसलिए कहा गया है कि शी वॉज नॉट इन्जॉइंग द करेंट टाइम, तो पुरानी किसी तस्वीर जैसी वो बन चुकी थी। द मोमेंट ऑफ लाइफ, जो करेंट लाइफ होती है हमारी, उसमें उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वट आर यू लुकिंग एट, सेड विलियम। देखिए वही विलियम आ गया ना, बुली टाइप का लड़का ना, क्या तुम देख रही हो। यू देखिए यहाँ पर इस तरह से है, इसका मतलब यहाँ पे वो इम्फेसिस दे रहा है, तुम क्या देख रही हो, लाइक दिस। मार्गो सेड नथिंग, मार्गो ने कुछ नहीं कहा। स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू, जब तुमसे बोला जाए तो बोला भी करो। ही गेव हर अ शॉप, उसके बाद उसने धक्का दे दिया, मतलब शॉप मतलब उसको एक धक्का दिया। बट शी डिड नॉट मूव, लेकिन वो हिली नहीं। देखिए धक्का देने का मतलब उसको ऐसे कंधे पे ऐसे धक्का दिया होगा, और वो फिर भी हिली नहीं, अपने प्लेस पे खड़ी रही। रैदर मतलब बल्कि, शी लेट हरसेल्फ बी मूव्ड ओनली बाय हिम एंड नथिंग एल्स। इसका मतलब ये हो गया कि लेट का मतलब होने देना किसी चीज़ को, है ना, तो अपने आप को मूव होने देती थी। ओनली बाय हिम, सिर्फ उसके द्वारा। उसके द्वारा का मतलब यहाँ पर विलियम की बात हो रही है यहाँ पर, और आगे देखते हैं क्या है। एंड नथिंग एल्स, और कोई भी चीज़ उसे मूव नहीं करती। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा अंदर की बात को समझना है कि वो खड़ी है, उसने उसको धक्का दिया, वो चाहती तो मूव ना करती, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो वहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रही है अपनी बॉडी को, तो ओनली बाय हिम मतलब कोई उसको धक्का दे रहा है तो हट जा रही है, मूव कर जा रही है, लेकिन खुद से वो कोई भी मूवमेंट अपने अंदर, अपने इमोशंस में महसूस नहीं करती। मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको यहाँ से वहाँ कर दे, बात दूसरी है, बट मेंटली सी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। दे एज्ड अवे फ्रॉम हर, मतलब इधर उधर से उसको धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब जैसे कोई खड़ा है ना, अब उसी के बगल से कंधा मिला के कोई ऐसे निकला आगे, तो एजिंग। दे वुड नॉट लुक एट हर, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, मतलब वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे ना कि उस लड़की अलग सी रहती है ये। शी फेल्ट देम गो अवे, उसने महसूस किया कि वो लोग चले जा रहे हैं। एंड दिस वॉज बिकॉज शी वुड नॉट प्ले गेम, क्योंकि उनके साथ गेम नहीं खेलती थी। इन द इकोइंग टनल्स ऑफ द अंडरग्राउंड सिटी, अच्छा तो जहाँ वो रहते थे वो अंडरग्राउंड सिटी भी थी वहाँ पे, यानी कि जैसे तहखाना जिसे हम कहते हैं, तो नीचे ज़मीन में अंदर सिटी थी। अब इसलिए बसाई गई होगी क्योंकि वहाँ बाहर रेन होती रहती थी, वहाँ के रेन के जो बरबर जो साउंड बनी रहती थी उससे दूर रहने के लिए। इफ़ द टैग्ड हर एंड रेन, तो टनल्स बनी थी, है ना, सुरंग टाइप की, तो उसमें से इको होनी है, तो वो उनके साथ खेलती नहीं थी, दौड़ती नहीं थी। इफ़ द टैग्ड हर, अगर उसे छू कर दौड़ते थे कि मतलब वो भी कुछ रिएक्शन शो करे। शी स्टूड ब्लिंकिंग आफ्टर देम, तो वो सिर्फ उनको देखकर अपनी आंखें झपकाती रहती थी। एंड डिड नॉट फॉलो, उनको फॉलो नहीं करती थी, जैसे मान छोटे छोटे बच्चे ना खेलते हैं ऐसे, छुआ फिर भागे तो वो भी भागा, तो कोई उनको फॉलो नहीं करती थी। एंड द क्लास सैंग सॉन्ग्स, अच्छा जब क्लास में गीत गाए जाते थे अबाउट हैप्पीनेस एंड लाइफ, तो गीतों में खुशी होती थी, जीवन की बातें होती थी या गेम्स की बातें होती थी। हर लिप्स बियर्डली मतलब मुश्किल से मूव हिलते थे। तो उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब चूँकि क्लास में थी तो उसे थोड़ा बहुत तो ये दिखाना था कि हाँ वो भी लर्न कर रही है। अब आपको देखिए इमेजिन करना पड़ेगा कि किस प्रकार की लड़की है। क्लास में बैठी हुई है, ना सामने देख रही है, बस होंठ बड़बड़ा रही है क्योंकि वो क्लास में है तो कुछ तो शो करना है। ओनली व्हेन दे सैंग अबाउट द सन, हाँ जब सन के बारे में कोई चीज़ गीत गाया जाता था। एंड द समर, और समर के महीनों के बारे में, मौसम के बारे में जब कुछ पोएट्री होती थी। डिड हर लिप्स मूव, तब उसके होंठ ज़रूर मूव करते थे। एज सी वॉश द ड्रेंस्ड विंडो, और जब वो ऐसा करती थी तो ड्रेंस्ड मतलब भीगा हुआ पानी से, खिड़की की तरफ उसकी आँख चली जाती थी जो पानी से भीगी हुई थी। समझ गए आप? जब सन की बात होती थी, समर की बात होती तो उनको मिस करती थी। पल भर के लिए उसके अंदर कुछ इमोशंस जागते थे लेकिन फिर वो खो जाते थे। क्यों? क्योंकि बाहर जब ड्रेंस्ड विंडो को देखती थी तो कोई उम्मीद नहीं थी कि हाँ सन निकल कर आएगा। यहाँ पे देखो, वाई डू यू थिंक मार्गो डिड नॉट फॉलो द अदर चिल्ड्रन? बिकॉज शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्साइटमेंट। हाँ जब कभी सन की बात होती थी, समर की बात होती थी, तब थोड़ा एक्साइटेड फील करती थी। एंड देन ऑफ कोर्स द बिगेस्ट क्राइम ऑफ ऑल, यानी अब फिर कुछ ऐसा हुआ कि सबसे बड़ा अपराध ऑफ ऑल, यानी सबसे बड़ा काम गलत आप कर डालते हो तो वो आपका बिगेस्ट क्राइम हुआ। क्या था जरा देखते हैं। ऑफ ऑल दैट शी हैड कम हेयर ओनली 5 years ago। और चिल्ड्रेन में और मार्गो में ये फ़र्क था कि मार्गो यहाँ पर 5 साल पहले आई थी अर्थ से। एंड शी रिमेंबर द सन, और उसे सन याद था। एंड द वे द सन वॉज, सन कैसा दिखता था वो पता था। एंड द स्काई वॉज, स्काई कैसे दिखता था ये पता था। जब वो 4 यानी 4 साल की थी, ओहियो में रहती थी अमेरिका में। मतलब कि अब कोई चीज़ आपने देख ली तो उसे भूल तो सकते नहीं हो, और दूसरे लोगों को याद नहीं थी, बच्चों को, तो वो और उन बच्चों में ये फ़र्क क्रिएट हो गया था। और यही उसका सबसे बड़ा अपराध था कि उसने सन को देखा हुआ था, उसकी वार्मथ को जानती थी, और वो और बच्चों से बाद में आई थी। बाकी बच्चे 2 साल की उम्र में ही चल दिए थे, तो 9 साल यानी 7 साल समय बीत गया था पानी के बरसते बरसते, उन्हें सन याद नहीं था। और ये चूँकि 4 साल की थी उसके बाद यहाँ पर आई, तो 4 + 5 9, तो 4 साल की याद इसके पास थी। अब अपराध इसलिए है कि इसकी सज़ा उसे मिल रही थी। वो सज़ा वही थी कि वो सन को मिस करती थी, और जिसकी वजह से उसके जीवन का पूरा जो चार्म था वो गायब हो चुका था। आप ही इमेजिन करिए, रोज़ाना आप सूरज को देखते हैं और कभी ऐसा समय आ जाए कि पता चला कि जो 1 महीने से पानी पानी बरस रहा है, सूरज के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, तो आप ना तो स्काई को देख पाओगे ना सन को देख पाओगे। यहाँ यही हाल था, ना बच्चे स्काई जानते थे ना सन जानते थे, और वो जानती थी। यही इसका अपराध था। अपराध का मतलब इसी की सज़ा उसे मिल रही थी कि वो मिस करके इन चीज़ों को बोर होती थी बराबर रेन को देखकर। एंड दे हैड बीन ऑन वीनस, और वे मतलब चिल्ड्रन वीनस पर ऑल देयर लाइफ, पूरी ज़िंदगी से थे। देखिए 2 साल के बाद वो आए तो एक प्रकार से उन्हें ऐसा लगता था कि उनका जन्म ही यहाँ हुआ। एंड दे हैड बीन ओनली 2 years ओल्ड व्हेन द लास्ट द सन केम आउट, और वो पिछले बार जब सन के दर्शन उन्होंने किए थे जब सन आया था तो 2 साल के थे। एंड हैड लॉन्ग सिंस फॉरगटन द कलर एंड द हीट, अब चूँकि 2 साल के बच्चों की याद नहीं रहती तो ना उसका कलर जानते थे, ना उन्हें याद था, ना उसकी हीट जो वार्मथ होती है सन की, ना उन्हें उसका ख्याल था। एंड द वेट रियली वॉज, और सन दिखता कैसे था, सारी मेमोरी चीज़ें गायब हो चुकी थी। बट मार्गो रिमेंबर्ड, दिस वॉज द डिफरेंस, एंड दिस डिफरेंस हैज क्रिएटेड अ वॉइड इन हर लाइफ, उसके जीवन में एक शून्य पैदा कर दिया था, एक अभाव पैदा कर दिया था, एक कमी, कि ना वो सन को देख पाती थी ना समर को महसूस कर पाती थी। यही उसकी उदासी का सबसे बड़ा कारण था। इट इज़ लाइक अ पेनी, बच्चे आपस में डिस्कशन करते थे कि पेनी की तरह है। सी सेड वंस आइज़ क्लोज्ड, आंखें बंद करके उसने। अच्छा आप देखिए, मैं तो थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहा हूँ कि कैसे बोलती होगी, वो पेनी की तरह है, इस तरह। नो इट इज़ नॉट द चिल्ड्रन क्राइड, बच्चे चिल्ला उठते, नहीं 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 ऐसे नहीं है। इट इज़ लाइक अ फायर सी सेड, वो कहती थी कि वो आग की तरह है, जैसे स्टोव में आग जलती है, गैस में आग जलती है, आपने देखा होगा, उस तरह से उसमें से लपटें निकलती हैं। यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रही हो, डोंट रिमेंबर, तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम कुछ याद नहीं है, बच्चे चिल्ला उठते थे। तो अब देखिए वो कह सच रही है लेकिन बच्चे उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से और चिढ़ जाते होंगे इससे। बट शी रिमेंबर्ड एंड स्टूड क्वाइटली आफ्टर पार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ देम, लेकिन उसे तो सब याद था और वो जानती थी कि इन लोगों ने नहीं देखा, इसकी वजह से लोग मानते नहीं हैं। वो चुपचाप और लोगों से अलग खड़ी हुई थी। एंड वॉज द पैटर्निंग विंडोज़, विंडोज़ पे जो पैटर्न बन रहे थे, मतलब जब बूंदें गिर रही थी ना, उन बूंदों से जो डिज़ाइन बन रही थी, तो पैटर्निंग विंडोज़ को देख रही थी। एंड वंस एंड एक बार अ मंथ है वो, एक महीने पहले की बात है, सी हैड रिफ्यूज टू शावर इन द स्कूल शावर रूम्स। अच्छा, स्कूल में शावर रूम्स बने हुए थे, मतलब जहाँ पर पानी की बौछारें, उनमें नहाया जाता था, तो उसने एक बार शावर लेने से मना कर दिया था। हैड क्लस्ड हर हैंड्स। अच्छा, जब उसे कहा गया था कि शावर में जाओ, हैड क्लस्ड हर हैंड्स मतलब उसने अपने हाथों को एक प्रकार से मजबूती के साथ अपने कान पे रख लिया था जिससे कि उसको आवाज़ ना सुनाई दे। एंड ओवर हर हेड, और अपने सिर के ऊपर रख लिया था, मतलब सिर को पकड़ लेना, कान को पकड़ लेना। स्क्रीमिंग और चिल्लाने लगी थी। द वाटर मस्ट नॉट टच हर हेड, जिससे कि उसकी खोपड़ी पे, उसके सिर पर वाटर पड़ भी ना पाए। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो उसे रेन से ही घृणा हो गई थी, वाटर से ही घृणा हो गई थी। शावर वो लेना नहीं चाहती थी, क्यों? क्योंकि यही रेन दुश्मन थी सन की, जो सन को आने नहीं दे रही थी। उसे चिढ़ हो गई थी इससे। सो आफ्टर दैट, इसके बाद डिमली डिमली मतलब धीमे धीमे करके, ग्रेजुअली, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सी सेंस्ड इट, उसने समझना शुरू किया, शी वाज डिफरेंट, वो वाकई में दूसरे लोगों से डिफरेंट है। एंड दे न्यू हर डिफरेंस एंड केप्ट अवे, और वो बच्चे इस डिफरेंस को जानते थे कि लड़की कुछ अलग है, इस वजह से उससे दूर रहते थे। अब देखिए, और बच्चे तो शावर ले लेके मज़े मज़े से नहाते होंगे, अच्छा लगता होगा उनको, जो भी स्कूल का शावर रूम होगा, हो सकता है उन्होंने वही जो पानी बरसता हो उसी के लिए थोड़ा सा आंगन टाइप का बनाया हो, जो कुछ भी हो, एनीवे। और वो मना करती थी, तो सब समझते थे लड़की तो पागल है। देयर वॉज टॉक दैट हर फादर एंड मदर वर टेकिंग हर बैक, और ये भी कुछ बातचीत चल रही थी कि उसके जो पेरेंट्स हैं, मतलब मदर और फादर हैं, उसे वापस ले जा रहे हैं अर्थ पे। आखिर पेरेंट्स हैं ना, वो भी तो जानते होंगे ना कि मेरी बेटी कितनी दुखी है, उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे वापस ले जाओ अर्थ पे। तो टॉक चल रही होगी। इट सीम्ड वाइटल टू हर, तो वाइटल और वेरी इंपॉर्टेंट। टुवर्ड दैट दे डू सो, मतलब उसके पेरेंट्स से महसूस कर रहे थे कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे वो अर्थ पर वापस लेके जाए। दो इट वुड मीन द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, हालांकि अर्थ पे वापस जाने का मतलब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का खर्चा, और सिर्फ उसको वहाँ छोड़ने के लिए, जबकि उसके पेरेंट्स यहाँ रहना चाहते थे। अच्छा देखिए, हम बचपन से हमें जो माहौल मिल जाता है ना, हम उसी में खुश रह लेते हैं, वही हमें अच्छा लगने लगता है, वही हमें लगता है वही दुनिया है। और इसके सामने प्रॉब्लम ये थी कि उसने दूसरी दुनिया भी देखी हुई थी अर्थ की, उसे याद थी, और बच्चों को अर्थ की दुनिया याद नहीं थी। तो उसके पेरेंट्स ने सेंस किया कि नहीं, इसकी लाइफ का चार्म अर्थ पे ही वापस लौटेगा। एंड सो इस वजह से द चिल्ड्रन हेटेड। अच्छा, एक तो गुनाह ये था कि उसने सन को देखा हुआ था, मिस करती थी। दूसरा, उसके बिहेवियर से बच्चे उसे अलग समझते थे। और तीसरा, जब उनको पता चलता था कि उसके माँ बाप उसे वापस अर्थ पर ले जाना चाहते हैं, तो और चिढ़ते होंगे कि मतलब ये तो एकदम अलग ही लड़की है। द चिल्ड्रन हेटेड हर फॉर ऑल दीज रीजन्स, इन रीजन से बच्चे उससे घृणा करते थे। ऑफ बिग एंड लिटिल कंसिक्वेंस, देखिए बिग का मतलब बड़ा, लिटिल का मतलब छोटा, कंसिक्वेंस का मतलब परिणाम। तो कहने का मतलब यह है कि ये बातें किसी के लिए बड़ी, किसी के लिए छोटी। अब बिग कंसिक्वेंस का मतलब यहाँ पे लगा सकते हैं कि उसका अर्थ पे वापस जाना उसकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला था, क्योंकि शी वॉज गोइंग टू हैप्पियर अगेन। इट वॉज़ मे बी हैड बीन हर डिज़ायर, कि उसने अपने पेरेंट्स से कहा हो इस तरह से, उसकी खुशी थी उसमें। और लिटिल का मतलब ये है कि अब जैसे मान लीजिए वो शावर नहीं ले रही है, वो बच्चों के साथ खेलती नहीं है, या वो सन के बारे में यहाँ वहाँ की बातें करती है, या वो वापस जाना चाहती है अर्थ पर, तो इनसे उन बच्चों पे बहुत ज़्यादा, मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, इसकी वजह से बच्चे उसकी तरफ थोड़ा सा मिसट्रीट करें उसको, कोई उसको बुली करने की कोशिश करे इन छोटी छोटी बातों को लेकर। तो इस तरह से आपको समझना है, और आप भी कुछ अगर मीनिंग निकाल रहे हो इसका, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इन सब बातों से बच्चे उससे चिढ़ते थे। दे हेटेड हर पेल स्नो फेस। अब देखिए, मान लीजिए उसका जो फेस था वो स्नोई और पेल, देखिए कहते हैं ना कि जिसके चेहरे का कलर गायब हो चुका हो, तो कहते हैं उसका वे फेस जो वाइट हो चुका है, पेल हो चुका है, मतलब डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, कोई घबराया हुआ हो, चिंतित हो, खुशी उसके चेहरे से गायब हो, तब इस तरह का जो फेस का हम वर्णन करते हैं। और स्नो फेस का मतलब सीधा सीधा मतलब कि लिस्टलेस फेस। लिस्ट का मतलब ये हो गया कि नॉट शोइंग एनी रिएक्शन और इमोशन, हर वेटिंग साइलेंस, वो घंटों चुपचाप रहती थी, कोई बोले तो जल्दी जवाब नहीं देती थी। इन हर थिननेस, पतली भी थी। एंड हर पॉसिबल फ्यूचर, और उसका जो भविष्य आगे का क्या होगा। तो अब देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें ना, ये लिटिल है, मतलब कि इनसे बच्चे डिसाइड कर रहे थे कि उसके साथ कैसे बिहेव करना है। तो किसी से इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता था, किसी पे कम पड़ सकता था। दैट इज़ वाई लिटिल एंड बिग कंसिक्वेंसेज। तो घटना एक ही है, किसी पे कम असर, किसी पे ज़्यादा असर, किसी पे कुछ नहीं। दैट इज़ वाई लिटिल एंड बिग कंसिक्वेंसेज। गेट अवे, भाग जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ। द बॉय गेव हर अनदर पुश, लड़के ने फिर उसे एक धक्का दिया। वो वही विलियम, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रही हो। देन फॉर द फर्स्ट टाइम और पहली बार शी टर्न्ड एंड लुक्ड एट हिम, वो मुड़ी और उसकी तरफ उसने देखा। एंड व्हाट शी वाज वेटिंग फॉर वाज इन हर आइज, अब वो जिस चीज़ का इंतजार कर रही थी वो उसकी आँखों में नज़र आ रहा था। ओह, क्योंकि देखिए उसे मालूम था कि अब सन निकलने वाला है, तो वो कम से कम उसका एक्साइटमेंट उसकी आँखों में था। तो यहाँ क्वेश्चन भी दिया गया है कि व्हाट डू यू थिंक वाज इन हर आइज, तो इन हर आइज वाज अ हिडन एक्साइटमेंट फॉर द साइट ऑफ द सन दैट शी वॉज गोइंग टू सी नाउ। लेकिन चूँकि उसकी लाइफ से इन 7 साल की रेंज ने खुशियाँ एकदम गायब कर दी थी, तो वो चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके मन में थी ये बात। अच्छा, वो किसी से शेयर करती थी तो लोग उसका विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वो बोलना नहीं चाहती थी। वेल डोंट वेट अराउंड हियर, यहाँ मत इंतजार करो, क्राइड द बॉय सेवेजली। देखिए, बहुत ही अनसिविलाइज्ड वे में, बहुत जंगली तरीके से अगर आप किसी से बात करते हो, दैट इज़ कॉल्ड सेवेजली। वेल डोंट वेट अराउंड हियर, यहाँ इंतजार मत करो। यू वॉन्ट सी नथिंग, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। कुछ दिखाई नहीं देगा मतलब ये है कि अब बच्चे सब आगे भाग चुके थे, वो पीछे रह गई थी। हर लिप्स मूव्ड, उसके होठों में कुछ हरकत हुई। नथिंग ही क्राइड, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। नथिंग 2 बार, कुछ नहीं दिखाई देगा। इट वॉज आल अ जोक वाजंट इट। देखिए यहाँ पे जोक का मतलब, यहाँ पर हम ये भी लगा सकते हैं कि विलियम भी इस चीज़ को विश्वास नहीं कर रहा था कि सन निकलेगा तो बहुत कुछ होने वाला है, कोई नई चीज़ होने वाली है, क्योंकि पानी 7 साल से बरस रहा है। तो कोई ये मानने को तैयार हो कि पानी रुकेगा और बादल हटेंगे, स्काई साफ होगा, फिर सन निकलेगा, तो बार बार रेन को देख देख के पूरे जीवन भर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी एक स्टॉपेज रेन में देखने को मिलेगा। तो वो भी कह रहा था सब जोक है, मजाक है, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर दोनों सेंस निकल रहे, तो पीछे रह गई है, और दूसरा तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कुछ होने ही वाला नहीं है तो क्या दिखाई देगा। ही टर्न टू द अदर चिल्ड्रन, उसके बाद और बच्चों की तरफ मुड़ा। नथिंग इज़ हैपनिंग टुडे इज़ इट, कुछ नहीं होने वाला। होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला। और बच्चों से भी वही बात कर रहा था। दे आर ब्लिंक्ड एट हिम, सब लोग उसकी तरफ एक प्रकार से अपनी आंखें झपकाते हैं, अनअंडरस्टैंडिंग, उसकी बात को समझ रहे हैं। और बच्चे सब एक ही जैसे तो थे ही, सब इनक्रेडिबली वेट कर रहे थे कि क्या कुछ ऐसा होने वाला है। लाफ्ड, सब हंसने लगे। एंड सूक देयर हेड, सब उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। नथिंग नथिंग, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। ओह बट मार्गो विस्पर्ड, लेकिन मार्गो फिर एक प्रकार से उसके होठों में फिर हरकत हुई और कुछ फुसफुसाते हुए बोली। हर आइज़ हेल्पलेस, लेकिन उसकी आंखों में फिर भी रिएक्शंस नहीं हो पा रहे थे, चमक वो नहीं आ रही थी, चार्म वो नहीं था। आंखों से भी वो अपने को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही थी अपनी थॉट प्रोसेस से। बट दिस इज़ द डे, लेकिन यही वो दिन है। द साइंटिस्ट्स प्रिडिक्ट, साइंटिस्ट जिसकी भविष्यवाणी करते हैं, जैसे वो कहते हैं, दे नो, वो जानते हैं, सन। नो का मतलब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इटैलिक्स में लिखा गया, इसका मतलब ये है कि नॉलेज की बात है कि हाँ सन क्या है, निकलेगा, ये सारी चीज़ें, और इनसे वो बच्चे अनजान थे। आला जोक, तो उसकी बात पूरी नहीं हो पाती है ना। 3 डॉट दिखा रहे हैं कि सब चिल्ला पड़ता है, सब जोक है, जोक है। सेट द बॉय, लड़के ने कहा। एंड सीज्ड हर रफली, और उसको जकड़ लिया, मतलब गुस्सा हो गए बच्चे अब। ही एवरी वन लेट अस पुट हर इन अ क्लोसेट बिफोर द टीचर कम्स, तो कहता है हे चलो हम इसको एक ना एक छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं टीचर के आने के पहले। ये तो बदमाशी करने जा रहे हैं बच्चे, मतलब चिढ़ के। नो सेड मार्गो फॉलिंग बैक, मार्गो चिल्लाती है पीछे हटते हुए, नहीं 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 ऐसा नहीं। शायद अगर वो रेन का ही सीज़न होता और सन ना निकलने वाला होता तो शायद वो इतना रिएक्ट ना करती कि पीछे हटते हुए कि नहीं नहीं। उसे मालूम था कि अभी तो सन को देखने का मौका मिलने वाला है और उस मौके को जाने नहीं देना चाहती थी। दैट इज़ वाई शी वॉज टेलिंग डोंट डू दिस। दे सर्च्ड अबाउट हर, जैसे मतलब किसी चीज़ की तरफ आगे ऐसे बढ़ना, सर्जिंग आगे की तरफ। दे सर्च्ड अबाउट हर, उसकी तरफ भीड़ के रूप में आगे बढ़े। कॉट हर, आप उसको पकड़ लिया। एंड बोर हर प्रोटेस्टिंग, यहाँ बोर का मतलब है कि दे कैरीड हर, मतलब उसको वो कैरी करते हुए। प्रोटेस्टिंग, तो वो प्रोटेस्ट लड़की कर रही थी, मतलब कि मार्गो। प्लीडिंग, गिड़गड़ा रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, रिक्वेस्ट कर रही थी। एंड देन क्राइंग, उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। बैक इनटू अ टनल, तो उसे टनल में ले जाके उन्होंने एक रूम में, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, एक कोठरी में। वेयर दे स्लैम्ड, अगर आप दरवाज़ा, जैसे आप बाहर निकल रहे हो या अंदर जा रहे हो और पीछे धक्का मारते हो, दरवाज़ा धड़ाम से बंद होता है। दिस इज़ कॉल्ड स्लैमिंग द डोर। एंड लॉक द डोर, और डोर को उसने ताला भी लगा दिया। देखिए सारे बच्चों ने एक मत होकर सारा काम किया है। दे स्टूड लुकिंग एट द डोर, और उसके बाद वे लोग खड़े होकर उस दरवाजे को थोड़ी देर देखते रहे। एंड सॉ इट ट्रेम्बल फ्रॉम हर बीटिंग, और उन्होंने देखा कि वो दरवाज़ा थोड़ा सा ट्रेम्बल कर रहा है। कारण क्या है कि हर बीटिंग एंड थ्रोइंग हर सेल्फ अगेंस्ट इट, तो देखिए वो कमरे के अंदर यानी इधर से वो दरवाजे को धक्का दे रही थी, पूरा वेट उस पर दे रही थी, जिसकी वजह से दरवाज़ा थोड़ा सा हिल रहा था। दैट इज़ वाई हेयर ट्रेम्बलिंग। और अच्छा बच्चों को अच्छा लग रहा होगा, उन्हें मज़ा आ रहा होगा, यहाँ अच्छा खासा पनिशमेंट हमने दिया। दे हर्ड हर मफर्ड क्राइज, मफर्ड मतलब होता है कि खुलकर ना आना, दबी दबी सी आवाज़ निकल के आना, उसके चिल्लाने की कमरे के अंदर से अभी भी आवाज़ बाहर की तरफ आ रही थी। देन और तभी स्माइलिंग मुस्कुराते हुए दे टर्न, वे लड़के मुड़े मतलब पीछे मुड़ गए। एंड वेंट आउट एंड बैक डाउन द टनल, मुड़कर टनल में पीछे वापस। जस्ट एज द टीचर अराइव्ड, वहीं पहुंच गए और टीचर तभी पहुंचा ही था वहाँ पे। अच्छा उसकी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं, हो सकता है कि वो जो रेन की स्टॉर्म की आवाज़ों के बीच में रह गई हो। एनीवे, डू यू थिंक द चिल्ड्रन डिड द राइट थिंग बाय लॉकिंग मार्गो इन अ रूम? तो इसका जवाब आप खुद दीजिए। नो है, लेकिन ऐसे भी बदमाश बच्चे होंगे जो शायद इसे ठीक समझ रहे होंगे, और ऐसे लोग चल के बाद में बहुत बड़े क्रिमिनल्स बनते हैं और पूरी सोसाइटी को परेशान करते हैं। और जो भी कोई सेंसिटिव होगा, जो भी कोई दूसरों को केयर करने वाला होगा फीलिंग की, वो कहीं भी किसी भी तरह से इनकी इस हरकत को सही नहीं ठहरा सकता। रेडी चिल्ड्रन, सी ग्लैंस्ड एट हर वॉच। तो टीचर ने कहा बच्चों आप लोग रेडी हो, और वो वॉच देख रही थी, उन्हें मालूम था ना टीचर थी कि अब कितने बजे क्या होने वाला है, सन निकलने वाला है। यस सेड एवरीवन, आर वी ऑल हेयर, सब लोग हम लोग हैं यहाँ पे। यस, इसका मतलब यहाँ पे मार्गो नहीं है, और किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं मार्गो, इसका मतलब सारे के सारे बच्चे जो है एक ही जैसा सोच कर सब ने जो कंप्लीट जो कलेक्टिव एक्शन लिया था। तो किसी ने नहीं बताया कि हाँ मार्गो यहाँ नहीं है। द रेन स्लैकेंड स्टिल मोर, उसके बाद रेन थोड़ी धीमी होती चली गई, मतलब उसकी रफ्तार कम होती चली गई। द क्राउडेड टू द ह्यूज डोर, अब दरवाज़ा खोलने वाला था, तो वहाँ पे बड़ा सा दरवाज़ा लगा था, कोई बाहर जल्दी ना जा पाए, तो सब लोगों ने वहाँ भीड़ लगा ली। द रेन स्टॉप, और रेन रुक भी गई। इट वॉज़ एज इफ़ इन द मिडस्ट ऑफ अ फिल्म। तो देखिए, इट वॉज़ एज इफ़, एज इफ़ का मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि, इन द मिडस्ट ऑफ, मिडस्ट मतलब बीच में, और फिल्म जैसे कोई फिल्म चल रही हो। कंसर्निंग एन एवलेंच, देखिए एवलेंच का मतलब होता है कि जब पहाड़ों पर से जो बर्फ़ फिसल कर गिरती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, जिससे नुकसान भी काफ़ी होता है, दिस इज़ कॉल्ड एवलेंच। और टोर्नाडो का मतलब होता है बहुत तगड़ा तूफान जो बहुत नुकसान पहुँचाता है। हरिकेन भी तूफान है, डेंजरस। और वॉल्केनिक इरप्शन, जब कोई ज्वालामुखी फूटता है तो आप जानते हैं कि लावा निकलता है और कितना नुकसान कर सकता है लोगों की लाइफ को। तो इरप्शन को मतलब फूट पड़ना। समथिंग हैड, कुछ तो हुआ था, फर्स्ट पहली बार, गॉन रॉन्ग जो गलत हो चुका था, विद द साउंड अपरेटस, जो चीज़ साउंड प्रोड्यूस करती है वो साउंड अपरेटस हो गया, चाहे साउंड को वो दबाने के लिए हो, चाहे साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हो। तो जो भी उनका साउंड सिस्टम था उसमें लगता है इसकी जैसे कुछ गड़बड़ी हो गई हो, यानी साउंड अचानक रुक गई हो। 10 मफलिंग, और वो फिर खुलकर जब आवाज़ ना आ रही हो तो दैट इज़ कॉल्ड मफलिंग, घुटी घुटी सी आवाज़। एंड फाइनली कटिंग ऑफ ऑल नॉइज़, और फिर अंत में सारी की सारी नॉइज़ ख़त्म हो जाना, मतलब जो साउंड थी वो क्लियर आ रही थी, धीरे धीरे फिर वो मफल होनी शुरू हुई, फिर वो साउंड एकदम बंद हो गई। ऑल ऑफ द ब्लास्ट एंड रिपरकशंस एंड थंडर, तो जो भी भड़ाम भड़ाम की आवाज़ आती थी। और रिपरकशंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट, उसका प्रभाव, दैट इज़ कॉल्ड, किसी चीज़ का रिजल्ट दैट इज़ रिपरकशन। और थंडर मतलब गरज। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, पर ये बहुत आसान है कि ऐसा लगता है जैसे कोई प्रोजेक्टर से फिल्म चल रही हो, पर्दे पे लोग देख रहे हो, और अचानक उसमें साउंड सिस्टम में गड़बड़ी आ जाए और धीरे धीरे आवाज़ कम होते होते एकदम से गायब हो जाए। तो जब वो रेन होती रहती थी, बरसती रहती थी, तो थंडर की भी आवाज़ आती थी, धूमधड़ाम की भी आवाज़ें आती थी, तूफ़ान की भी आवाज़ें आती थी। तो ये साउंड अपरेटस की तरफ इशारा कर रहे हैं। साउंड अपरेटस पूरा का पूरा रेन से जुड़ा हुआ है, और रेन जो है वो फिल्म है जो पर्दे पर नज़र आ रही है। और जब एवलेंस लैंडस्लाइड होती है तो बहुत तगड़ी यहाँ वहाँ आवाज़ें आती हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे ऐसी फिल्म जिसमें हम लैंडस्लाइडिंग एवलेंस वगैरह को देख रहे हो, तूफ़ान चल रहा हो खूब ज़्यादा, तो उसके साथ जो आवाज़ें आ रही हैं वो धीरे धीरे बंद होती चली गई हों। तो ऐसा इसलिए है ना कि जब रेन स्टॉप हो गई तो वो सारी की सारी जो आवाज़ें आती थी वो रुक गई। एंड देन सेकंड रिप द फिल्म, रिप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को चीर देना। तो पर्दे पे जो फिल्म चल रही थी वो बदल गई, उसकी जगह दूसरी फिल्म स्टार्ट हो गई। रिप द फिल्म फ्रॉम द प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर वो होता है जहाँ से ऐसे रोशनी आती है ना, ऐसे रहती है, ऐसे रोशनी आती है और वो पर्दे पे पड़ती है तो फिल्म दिखाई देनी शुरू होती है। आपने पिक्चर हॉल में देखा होगा, जब भी आप सिनेमा हॉल में गए होंगे तो प्रोजेक्टर पीछे से होता है, आपको दिखाई नहीं देता, आप पीछे देखेंगे जैसे होल बना रहता है, उसमें से प्रोजेक्टर से लाइट निकल के आती है और वो पर्दे पे पड़ती है तो फिल्म दिखाई देती है। तो ऐसा लगता है जैसे प्रोजेक्टर से कोई दूसरी फिल्म चेंज कर दी हो प्रोजेक्टर से। एंड इंसर्टेड इन इस प्लेस अ पीसफुल ट्रॉपिकल स्लाइड, और उसमें एवलेंच की जगह कोई ट्रॉपिकल स्लाइड लगा दी गई हो। देखिए ट्रॉपिकल, जैसे ये इक्वेटर है, ठीक है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो इक्वेटर के ऊपर जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये जो पूरा इलाका होता है इक्वेटर से लेके ये पूरा पूरा ट्रॉपिकल का होता है। तो यहाँ पे कहाँ बर्फ़ बनती है, यहाँ कहाँ एवलेंच होने की संभावना है। तो वही है कि फिल्म चेंज कर दी गई हो और कोई पीसफुल साउंड वाली फिल्म चलने लग गई हो। वे डिड नॉट मूव और ट्रिमर, और उसमें ना कोई हरकत होती ना कोई कंपन होती थी। ट्रिमर जब कोई अर्थक्वेक आता है ना तो पृथ्वी काँप उठती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ। ट्रिमर द वर्ल्ड ग्राउंड टू स्टैंड स्टिल। ऐसा लगने लगा जैसे पूरा का पूरा संसार एकदम मूव नहीं कर रहा हो, एक स्टैंड स्टिल स्टैटिक पोजीशन में आ गया हो, हिल डुल ना रहा हो। और इस सारा का सारी वजह थी जो साउंड क्रिएट होती रहती थी रेन की वजह से। वैसे राइटर ने बहुत अच्छे शब्दों का यूज़ करते हुए और बड़े अच्छे ढंग से इसको शो किया है, क्योंकि अगर 7 साल से रेन बरस रही हो, अचानक अगर रेन रुकेगी तो क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, कंसिक्वेंसेस, वो यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से दिखाया है कि एक फ़िल्म एवलेंस से रिलेटेड इसमें तमाम साउंड आ रहे हैं और अचानक फिल्म चेंज हो जाती है, सब कुछ पीस नज़र आने शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ट्रिमर्स एकदम गायब हो चुके हों। और यही है, रेन हो रही थी और जब रेन स्टॉप हुई तो दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पे राइटर शो करता है। वाई वॉज द वर्ल्ड ग्राउंड टू ए स्टैंड स्टिल। देखिए ग्राउंड मतलब होता है ज़मीन, और यहाँ पे इसको वर्ब के रूप में यूज़ किया गया। ज़मीन से एकदम आप ऊपर खड़े हो जाते हो, हिल डुल नहीं रहे हो, दिस इज कॉल्ड यू आर ग्राउंडेड। स्टैंड स्टिल मतलब खड़े हो, मूव नहीं कर रहे हो। तो सब शांत, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कि एवरी वेयर देयर वॉज पीस, द साइलेंस वॉज सो इमेंस। अब वो जो साइलेंस थी वो इतनी ज़्यादा थी, इमेंस मतलब ग्रेट, ह्यूज, बिग इन अमाउंट। तो देखिए अब जब बराबर रेन होती रहती थी तो गड़गड़ाहट की आवाज़ें आती रहती थी, अचानक सब शांत हो गया। एंड अनबिलीवेबल, और विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी शांति भी बच्चों को 7 साल में कभी सुनाई नहीं दी, इतनी शांति हो सकती है। दैट यू फेल्ट योर ईयर्स हैड बीन स्टफ्ड। मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए अभी आप वीडियो देख रहे हो कुछ भी हो, अचानक आप जो है अपने कानों पर हाथ रख लीजिए और बाहर की आवाज़ बिल्कुल मत आने दीजिए, तो आपको बड़ा अजीब सा महसूस होगा, साइलेंस महसूस होगा। तो ऐसा लग रहा था जैसे जो ईयर्स हैं उनको स्टफ्ड कर दिया गया हो, मतलब उसमें कोई चीज़ ठूस दी गई हो, बाहर की आवाज़ ना आ रही हो। तो इस तरह के हालात हो गए थे। एंड यू हैड लॉस्ट योर हियरिंग टुगेदर, और ऐसा लग रहा था जैसे आपने सुनने की शक्ति खो दी हो। तो जब आप अपने हाथ कान पर रखेंगे तो आपको बाहर की आवाज़ तो सुनाई नहीं देगी, अब कोई चिल्ला भी रहा है तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो ऐसा लगेगा जैसे आपने सुनने की शक्ति खो दी हो। तो ऐसा लग रहा था कि इतनी तेज़ आवाज़ों में अचानक जब आवाज़ें गायब हुई, इतना साइलेंस हो गया कि लगने लगा जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। इस तरह के सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। द चिल्ड्रेन पुट देयर हैंड्स टू देयर ईयर्स। अच्छा, बच्चों को आदत थी, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जब आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती रहती हैं तब अपने कान पर हाथ रखते हैं, और यहाँ जब आवाज़ें पूरी तरह बंद हो गई तब ये अपने कान पर हाथ रख रहे हैं। इजंट इट थॉट प्रोवोकिंग कि साइंस फिक्शन एकदम से, मतलब डिफरेंट हमारे लिए। हम हाथ को ले जाके कान पर रखते हैं तो क्या होता है, बाहर की आवाज़ से बचने के लिए, और ये बाहर की आवाज़ से बचने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें आदत नहीं थी। जब चारों तरफ शांति छा जाती है तो वो अपने कानों पर हाथ रखते हैं कि क्या हो गया। दे स्टूड अपार्ट, अब दोनों वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। द डोर्स लीड बैक, उसके बाद जो है दरवाज़ा खुलता है और पीछे की तरफ खुलता है। द स्मेल ऑफ द साइलेंट वेटिंग वर्ल्ड केम इन टू देम, उसके बाद बाहर का संसार स्मेल। अब स्मेल का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि संसार से कोई महक आ रही थी, यहाँ पर मतलब है साइट ऑफ द साइलेंट वेटिंग वर्ल्ड। बाहर का संसार शांत था, क्योंकि यहीं पे तो पानी बरसता रहता था, अब वो शांत है तो वो उन्हें नज़र आता है। द सन केम आउट, इतने में सूर्य भी निकलता है। इट वाज द कलर ऑफ द फ्लेमिंग ब्रॉन्ज, तो जैसे ब्रॉन्ज का एकदम फ्लेमिंग मतलब जलता हुआ कलर। एंड इट वाज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा था। और वैसे भी जो सन है तो सन से जो प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे पहले मरकरी आता है, उसके बाद वीनस आता है, तब अर्थ आता है। तो इसलिए सन जो है अर्थ की अपेक्षा वीनस पे कुछ बड़ा ही दिखाई देगा, और इसलिए कुछ, हालांकि ये जो कलर है ये ब्रॉन्ज के नज़दीक भी है जो यहाँ दिखाई दे रहा है। एनीवे, तो बहुत बड़ा भी था। एंड द स्काई अराउंड इट वाज ब्लेजिंग ब्लू टाइल कलर, और उसके आसपास का जो स्काई था वो भी एकदम ज्वलंत था, मतलब ब्लेज कर रहा था जैसे जलता हुआ हो, और वो ब्लू टाइल कलर में था। ये कलर से रिलेटेड है, और ब्लेज का मतलब यहाँ पर धधकता हुआ है ना। जैसे मान लीजिए आपने अंगीठी देखी होगी ना, उसमें जो कोयले पड़े रहते हैं तो कोयले देखिए लाल लाल जब जलते रहते हैं तो दे आर ब्लेजिंग लाइक दिस। एंड द जंगल बर्न्ड विद सनलाइट, और उसके बाद जंगल एक प्रकार से सनलाइट में जलने लगा। तो सनलाइट मतलब रोशनी होती है, तो रोशनी में पूरा पूरा जंगल नहा गया, मतलब जंगल पर चारों तरफ रोशनी नजर आनी शुरू हो गई। एज द चिल्ड्रन रिलीज फ्रॉम देयर स्पेल, स्पेल का मतलब जैसे जादू, किसी के मोह में, किसी के सम्मोहन में बंधे हुए हों, जैसे किसी जेल में हो रहे हों वो पहले। तो एज द चिल्ड्रन रिलीज फ्रॉम द स्पेल, तो उनको स्पेल से जब उन्हें मुक्ति मिली, फ्रीडम मिली, रश्ड आउट बाहर निकले, येलिंग चिल्लाते हुए, इनटू द स्प्रिंग टाइम। तो उनके लिए तो स्प्रिंग टाइम हो गया। आप जानते हैं स्प्रिंग का कितना अच्छा मौसम होता है। नो डोंट गो टू फार कॉल्ड टीचर, टीचर ने उनसे कहा कि ज़्यादा दूर तक मत जाना। यू हैव ओनली 2 आवर्स, आपके पास 2 ही घंटे हैं। यू नो, तुम्हें तो पता ही है ना बच्चों, यू वुड नॉट वांट टू गेट कॉट आउट, और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप गलत कुछ करते हुए पकड़े जाएं। मतलब जो ऑर्डर टीचर ने दिया था तो उस ऑर्डर को नहीं मानने पे वो गलती मानी जाएगी। तो जब आप कोई चीज़, व्हेन यू आर फाउंड डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो रंगे हाथों आप जब गलत करते पकड़े जाते तो यू आर कॉट आउट। बट दे वर रनिंग एंड टर्निंग देयर फेसेस अप टू द स्काई। अब देखिए बच्चों को पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा था सन का। लोग दौड़ रहे थे, कूद रहे थे और मुड़ रहे थे, अपना फेस बार बार वो स्काई की तरफ करते थे, फीलिंग द सन, सन को फील कर रहे थे ऑन द चीक। देखिए राइटर ने यहाँ पूरी कोशिश की है कि जो बच्चे जीवन में कभी, उन्होंने 9 साल के जीवन में कभी सन को ना देखा हो, और जो पहली बार वो जा रहे हों बाहर, दुनिया में कदम रख रहे हों और ऊपर स्काई क्लियर और सन नज़र आ रहा, तो क्या उनका बिहेवियर होगा, क्या रिएक्शन होगा। तो बच्चे बार बार अपना चेहरा ऊपर करते थे, सन को फील करते थे, अपने गालों पर उनकी जो हल्की सी गर्माहट थी उसको महसूस करते थे, जैसे कोई आयरन गरम गरम रख दिया गया हो। दे वर टेकिंग ऑफ द जैकेट्स, वो अपनी जैकेट्स को उतार रहे थे। लेटिंग द सन बर्न देयर आर्म्स, और अपनी बाहों को खुला कर दे रहे थे कि वो सूरज की रोशनी उनकी बाहों पर भी पड़े। बर्न का मतलब होता है कि जो सन की जो रेज़ हैं उनके ऊपर पड़े। ओ इट इज़ बेटर देन द सन लैम्प्स इजंट इट, ये सन लैम्प से कितना अच्छा है ना। बच्चे आप उसमें बात करें, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ तो मेरा ध्यान नहीं गया, पता नहीं आपका क्या नहीं गया। जब बराबर रेन हो रही हो तो वीनस पे रोशनी का क्या वहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा, तो वहाँ पे जो लैम्प्स, तो सन लैम्प्स कहते होंगे। तो दूसरे बच्चे जवाब देते हैं मच मच बेटर, अरे उससे कहीं 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 कई गुना ज़्यादा बेटर है ये सन। तो वो लोग आर्टिफिशियल लाइटिंग में रहते थे क्योंकि सन तो निकलता नहीं था। और हमारे यहाँ क्या है कि दिन में तो हमें सन की रोशनी मिल जाती है और हम रात को कहीं ना कहीं उसका अरेंजमेंट करते हैं, बल्ब जलाते हैं और ट्यूबलाइट जलाते हैं। तो यहाँ पर वो 24 आवर्स सन लैम्प्स का यूज़ किया जाता था। दे स्टॉप रनिंग एंड स्टूड इन द ग्रेट जंगल, तो उसके बाद वो जंगल तक पहुंच गए और जंगल में जहाँ पर पेड़ उगे हुए थे वहाँ जाकर लोग रुक गए। और वो जो जंगल था उसने पूरे वीनस को कवर किया हुआ था क्योंकि वहाँ पर रेन होती रहती थी, तो वहाँ पे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट ज़्यादा थे। दैट ग्रीव एंड नेवर स्टॉप ग्रोइंग, देखिए पेड़ उगते थे और उसके बाद उनकी संख्या बढ़ती रहती थी, इसलिए नेवर स्टॉप ग्रोइंग क्योंकि उनको बराबर पानी मिलता रहता था। टुमल्टुअसली, देखिए टुमल्टुअसली का मतलब होता है कि बहुत उपद्रव करते हुए, बहुत झगड़ा करते हुए, आवाज़ करते हुए, आप भिड़ रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, आपस में हाथापाई कर रहे हो, तो वो टुमल्टुअस कंडीशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं फॉरेस्ट में उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया। इसका मतलब ये हो गया, इस वर्ड का मतलब कि जो पेड़ की शाखाएं थी, मतलब जैसे मान लीजिए ये पेड़ है तो इसी के बगल में दूसरा पेड़ भी है, इनकी शाखाएं आपस में टकराती थी। तो दैट इज़ यूज्ड हियर एज कि दे अपीयर एज इफ दे आर टुमल्टुअस, आपस में हाथापाई कर रही हों, और जब वो आपस में टकराएंगी तो टहनियों से टकराने से आवाज़ भी होगी, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे दिया गया है। इवन एज यू वॉच्ड इट, और अगर आप उसे देख भी रहे हो तो भी आपको लगता था जैसे वो बढ़ रहे हो। दरअसल वो चिल्ड्रन थे ना, छोटे थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे पेड़ जो हैं वो ऊपर देखते वक्त बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इट वॉज़ अ नेस्ट ऑफ एक्टोपी, देखिए एक्टोपस होता है जिसकी जो जानवर होता है जिसकी 8 इस प्रकार से आर्म्स होती हैं, तो उसी प्रकार से पेड़ों की तमाम टहनियाँ निकली हुई थी। तो इट वॉज़ अ नेस्ट ऑफ एक्टोपी, यहाँ पर देखिए मीनिंग दिया गया है, क्या मीनिंग दिया देख लेते हैं। टोल्टोसली का मतलब वाइडली, मतलब बिना किसी कंट्रोल के देवर ग्रोइंग, और ऑक्टोपी मतलब कि द प्लूरल ऑफ ऑक्टोपस, तो उसकी कई बाहें होती मैंने आपको बताई। क्लस्टरिंग अप, क्लस्टर का मतलब था झुरमुट बना के इकट्ठा, मतलब ग्रुपिंग टुगेदर, दिस इज़ कॉल्ड क्लस्टरिंग अप। ग्रेट आर्म्स ऑफ फ्लैश लाइक वीड, देखिए वीड होती है खरपतवार जिसकी इस प्रकार से आप इसको समझ लेते हैं जैसे बेल होती है, पेड़ पे चढ़ती है तो तमाम उसकी इस तरह से जो है डंठलें निकलती हैं, वो लपेटती हुई चली जाती हैं। और फ्लैश लाइक मतलब जैसे कोई आदमी हो और उसके अंदर जो वेंस होती हैं, नशे होती हैं, है ना, आर्टरीज़ का सिस्टम होता है। इनका थोड़ा फेयर कम्प्लेक्शन अगर वो हाथ हो तो उठा के देखें तो अंदर उन्हें नशे नजर आएंगे, तो उस तरह से फ्लैश लाइक वीड नज़र आती थी। और ग्रेट आर्म्स क्योंकि टहनियाँ बड़ी बड़ी होती थी और पेड़ों पर जो लताएँ चढ़ी हुई थी, तो इस प्रकार से जो नेटवर्क था पेड़ों का, टहनियों का, और जो बेल और लताएँ थीं उन सब के लिए वहाँ पे ये एक डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है कि वो लगता था जैसे उगती चली जा रही हैं, आपस में भिड़ी हुई नज़र आती थी, जैसे ऑक्टोपस की आर्म्स होती हैं उस तरह से, वेवरिंग मतलब हवा में लहराते हुए, फ्लावरिंग इन दिस ब्रीफ स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग में। ओ, अब यहाँ पर हम एक अंदाजा और लगा सकते हैं कि जब सन निकल के आया है तो उसका कोई रिएक्शन भी देखने को मिल रहा था, जो प्लांट्स लाइफ थी वहाँ पे। इट इज़ अमेजिंग। हमारे यहाँ सन जब इस तरह से निकलता है तो हमें इतना फास्ट मूवमेंट देखने को नहीं मिलता प्लांट लाइफ में, प्लांट्स में, लेकिन यहाँ पर हमें मान के चल सकते हैं कि राइटर ये बताना चाहता है कि इट इज़ अमेजिंग कि सन 7 साल में 2 घंटे के लिए निकलता है तो वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं उसी हिसाब से रिएक्ट करती हैं। फ्लावरिंग इन दिस ब्रीफ स्प्रिंग, छोटा सा 2 घंटे का जो स्प्रिंग टाइम है उसमें वो फूल खिलने शुरू हो जाती हैं और हवा में लहराती हैं टहनियाँ। इट वाज द कलर ऑफ रबर एंड ऐश, तो वहाँ पर जो कलर है वो रबर की तरह और ऐश की तरह यहाँ पे दिखाया गया है। तो जब सन नहीं निकलता था तो सन की अनुपस्थिति में मतलब अब्सेंस में जो पेड़ों का कलर था, देखिए पेड़ ग्रीन तभी नज़र आ सकते थे। देखिए यहाँ पे हमारा ध्यान नहीं गया जब हम शुरू में पढ़ रहे थे कि अगर सन नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, जिसकी वजह से जो ग्रीनरी वो नहीं हो पाएगी, उस सन की वजह से कलर्स भी डेवलप होते हैं, तो वहाँ हमारा ध्यान ही नहीं गया। तो यहाँ की जो भी वनस्पति थी वो रबर के कलर की नज़र आती थी, ऐश के कलर की नज़र आती थी, मतलब ग्रे कलर की नज़र आती, जैसे राख का कलर होता है ना, उस टाइप का। क्यों? क्योंकि उनमें सन ना होने की वजह से कलर्स नहीं बन पाए थे। तो ये जंगल इस तरह दिखता था फ्रॉम द मैनी ईयर्स विदाउट सन, बिना सन के। और अब ये फ्लावर कर रहा है, फ्लावरिंग हो रही है और कलरफुल नज़र आ रहा है। इट वाज द कलर ऑफ स्टोन्स एंड वाइट चीज़ एंड इंक, तो जैसे पत्थरों का कलर होता है, जैसे चीज़ मेरे ख्याल से आप इसे पनीर कह सकते हो, जैसे इंक का कलर होता है, और ये एक प्रकार से जैसे मून का कलर होता है, क्योंकि मून देखिए रात में कैसे दिखाई देता है ना, कलरलेस दिखाई देता है एकदम वाइट। तो इस तरह से जंगल दिखाई दिया करता था। चिल्ड्रन ले आउट, बच्चे ज़मीन पे लेट गए, लाफिंग हंस रहे थे ऑन द जंगल मैट्रेस। देखिए मैट्रेस होती है जो मैट होती है, अब यहाँ पे जो मैट है ना वो घास की है, उस पर आराम से लेटे हुए हैं। एंड हर्ड इट साय एंड स्क्वीक, तो वो आ भरते हुए और की आवाज़ करते हुए सुन रहे थे। किसकी? ये दोनों पेड़ों के लिए आई है। तो हवाएं चलती थी तो साएँ साएँ तो शाई हो गई, और जब पेड़ आपस में टकराते थे तो जो आवाज़ें होती थी की टहनियों की टकराने की, तो इसकी हो गई। और लेटे हुए अंदर से अंडर देम रेजिलिएंट एंड अलाइव। देखिए रेजिलिएंट का मतलब ये है कि स्प्रिंगी टाइप का, मतलब यहाँ पे मीनिंग भी दिया गया है जो मैंने देख लिया था। तो जैसे स्प्रिंग होती है वो जिस शेप में होती है, अगर आप उसे मोड़ो, घुमाओ और जब छोड़ो तो फिर उसको ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो अलाइव का मतलब हो गया जिंदा, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ थे वो कहा जाता है कि वो लिविंग होते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ होती है। और रेजिलिएंट इसलिए कि पेड़ अगर मुड़ भी रहे हों यहाँ वहाँ तो बाद में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते थे। इस तरह से यहाँ पे फॉरेस्ट ट्रीज़ का वर्णन किया गया। दे रेन अमंग द ट्रीज़, वे बच्चे जो है ट्रीज़ में यहाँ वहाँ आसपास दौड़ रहे थे, स्लिप फिसलते थे, गिरते थे, जैसे बच्चे करते ना। दे पुश्ड ईच अदर, एक दूसरे को धक्का देते हुए। दे प्लेड हाइड एंड सीक, और छुपन छुपाई का गेम भी खेल रहे थे, टैगिंग का गेम खेल रहे थे, मतलब आपने छुआ फिर वो आप दौड़ के उसको पकड़ोगे जिसने आपको छूने की कोशिश की हो, या दूसरे लोग दौड़ेंगे आप उन्हें छूने की कोशिश करो। बट मोस्ट ऑफ ऑल दे स्क्विंटेड एट द सन, लेकिन बार बार जब भी होता था वो सूर्य को देखने की ज़रूर कोशिश करते थे सन को, क्योंकि वही उनके लिए बहुत ही अजीब सी चीज़ थी। अनटिल टीयर्स रैन डाउन, तब तक वो देखते रहते थे सूरज को, सन को, जब तक कि उनकी आंखों से पानी नहीं निकलना शुरू हो जाता था, उनके चेहरे तक नहीं आ जाता था। क्योंकि अगर सन में जो रोशनी होती है उसके अगर आप बार बार देखोगे, वैसे भी वीनस के सन ज़्यादा नज़दीक था, अर्थ तो यहाँ आता है, वीनस के बाद आता है, तो सूरज की रोशनी और तेज़ होती होगी। तो जब आप सूरज की तरफ देखते हो तो आप पूरी आंख नहीं खोल सकते, तो वो थोड़ी सी बंद रहती है, थोड़ी सी खुली रहती है, इस टाइप से देखते हो। दिस इज़ कॉल्ड स्क्विंट। दे पुट देयर हैंड्स अप टू दैट येलोनेस, और कभी कभी वो क्या है ना, अपना हाथ येलोनेस की तरफ, मतलब सूरज की तरफ अपना हाथ कर देते थे, जिससे कि उनकी आंखों पर सीधा ना आए। एंड दैट अमेजिंग ब्लूनेस, और उसके बाद फिर उन्हें ब्लू स्काई नज़र आना शुरू हो जाता था। तो कोई भी चीज़ बहुत दूर हो चाहे जितनी बड़ी हो, आप उसे एक हाथ से ढकने की कोशिश कर सकते हो, तो उसके आसपास का नज़ारा देखना शुरू हो जाता है, वो चीज़ ढक जाती है, लाइक दिस। एंड द ब्रीथेड ऑफ द फ्रेश एयर, और एकदम ताज़ी हवा का आनंद ले रहे थे, उसमें सांस ले रहे थे। एंड लिसनड और सुन रहे थे, मतलब जो आवाज़ें उनको सुन रहे थे। द साइलेंस विच सस्पेंडेड देम इन अ ब्लेस्ड सी ऑफ नो साउंड एंड नो मोशन। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए सस्पेंड का मतलब होता है कहीं पे लटका देना, कहीं पे छोड़ देना आपको, जैसे कुछ हवा में इस टाइप का। तो ब्लेस्ड मतलब व्हेन यू फील वेरी वेरी हैप्पी, सी मतलब ग्रेट अमाउंट ऑफ नो साउंड एंड नो मोशन। तो देखिए रेन भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साउंड होती थी, तो उसकी रेन की वजह से साउंड नहीं हो रही थी, इसलिए साइलेंस का एटमॉस्फेयर चारों तरफ बना हुआ था, इसलिए यहाँ कहा गया ब्लेस्ड सी ऑफ नो साउंड एंड नो मोशन। अब मोशन नो का मतलब ये समझ सकते हो कि रेन बंद है, या वो लोग लेटे हुए हैं और मज़ा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, यही समझ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मोशन का तो मतलब होता है मूवमेंट। और देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत वर्ड्स और लाइन्स यूज की गई, लिसन टू द साइलेंस, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम किसी आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे साइलेंस मतलब हम चुप्पी को सुन रहे हैं। तो दे आर एक्सपीरियंसिंग द साइलेंस दैट दे हैड नेवर ऑब्जर्व इन द लास्ट 7 ईयर्स। तो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में थे जहाँ पे साइलेंस थी। हाँ, इन बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। दे लुक्ड एट एवरीथिंग, वो हर चीज़ को यहाँ वहाँ देख रहे थे। शेवर्ड, देखिए जब आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आप इंजॉय करते हो किसी चीज़ को, यू फील डिलाइटेड इन, दिस इज़ कॉल्ड सेवरिंग। कोई चीज़ खाते हो, जैसे मान लीजिए आइसक्रीम खाते हो, बहुत यम्मी यम्मी लगती है, तो यू सेवर्ड आइसक्रीम। तो वो हर चीज़ को देख रहे थे, हर चीज़ का आनंद उठा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे। देन वाइल्डली, मतलब यहाँ वहाँ अनकंट्रोल्ड आपका बिहेवियर, आपका वाइल्ड बिहेवियर होता है। लाइक एनिमल्स, जैसे जानवर वाइल्डली है ना, अनकंट्रोल्ड वे में वो बिहेव करते हैं। एस्केप फ्रॉम द केव्स, उसके बाद अपनी गुफाओं से निकलकर बाहर की तरफ बहुत तेज़ी से, मतलब उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। बच्चे ऐसे ही वाइल्डली बिहेव करते हैं अगर उनको कंट्रोल ना किया जाए। यहाँ वहाँ दौड़ेंगे, कूदेंगे, फादेंगे, गिरेंगे। दे रैन एंड रैन इन शाउटिंग सर्किल्स, तो सर्किल में यहाँ वहाँ वो लोग दौड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे। बच्चों को आप खुला छोड़ दीजिए ना, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, और चिल्लाते हैं, बहुत दौड़ते हैं। केव्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो उनका, जहाँ पे वो रहते थे है ना, तो दरवाज़ा खोल के उनको बाहर निकाला जाता है। तो वो जो रहते थे, दरवाजे के पीछे का जो भी उनका रेसिडेंशियल प्लेस था, वो केव यहाँ पे शो किया गया है। तो गुफाओं से निकल कर, यानी अपने इनक्लोजर से निकल कर, 7 साल से वो बंद थे उसके अंदर, निकल कर बाहर वो हर चीज़ का आनंद उठा रहे थे, हर चीज़ देख रहे थे। वट यू थिंक द चिल्ड्रन आर कम्पेयर टू एनिमल्स दैट हैव एस्केप्ड फ्रॉम द केव्स। देखिए एनिमल्स को आप बांध के रखिए और जैसे उन्हें छोड़िए तो तुरंत भाग के यहाँ वहाँ वो इन्जॉय करते हैं फ्रीडम को। तो इसलिए यहाँ पर उनके लिए ऐसा यूज किया गया है, क्योंकि उन्हें बांध के रखा गया था, एक प्रकार से उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। और उसके अलावा एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो वाइल्डली बिहेव करते हैं, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होता है उनका, तो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। दे रैन फॉर एन आवर, 1 घंटे तक तो यहाँ वहाँ दौड़ते रहे और वो रुके नहीं। बच्चे थकते नहीं जल्दी, एनर्जी होती है ना खूब उनके अंदर। एंड देन, और तभी, इन द मिडस्ट ऑफ द रनिंग, दौड़ते दौड़ते बीच में ही, वन ऑफ द गर्ल्स वेल्ड, एक लड़की जैसे रोने से लग गई करके। एवरीवन स्टॉप्ड, सब रुक गए उसकी वेलिंग को सुन के। जब आप अपनी सॉरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो ना, दुखी आवाज़ निकालते हो, दैट इज़ कॉल्ड वेलिंग। द गर्ल, लड़की, स्टैंडिंग इन द ओपन, वो ओपन में खड़ी हुई थी क्योंकि वो लोग बाहर ही थे। हेल्ड आउट हर हैंड, उसने अपना हाथ बाहर की तरफ फैलाया, अपनी आर्म को फैलाया। ओह लुक लुक, सी सेड ट्रेम्बलिंग, काँपते उसने कहा, अरे देखो देखो। काँपते हुए का मतलब आप सिचुएशन चेंज हो रही थी, यानी उनकी फ्रीडम खत्म होने जा रही थी। दे केम स्लोली टू लुक एट हर ओपन पाम, उसकी जो हथेली थी उस पर उन्होंने देखा। इन द सेंटर ऑफ इट, उसके बीचों बीच में। कप्ड एंड ह्यूज, देखिए कप का मतलब होता है कि जब हम, जैसे मान लीजिए हमें पानी पीना हो और हाथों से पानी पीना हो, तो हाथों में पानी लेने के लिए हम लोग उसको थोड़ा सा हाथ को मोड़ते हैं, इस प्रकार से कप टाइप का बनाते हैं। तो उसी प्रकार से उसमें हथेली को थोड़ा सा ऐसे करके इस तरह से कप शेप में बनाया हुआ था, और उसी में एक रेन ड्रॉप पड़ी हुई थी। रेन ड्रॉप बड़ी सी थी। ओ, यानी उनका 2 घंटे का समय समाप्त हो रहा था। लेकिन अब डिफरेंस, मतलब अब वो भी मार्गो की तरह हो गए थे, क्योंकि मार्गो ने सन देखा था, आज इन्होंने भी देख लिया। लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सी बिगेन टू क्राई, वो रोने लग गई। देखिए यही हाल मार्गो का था। वो 7 साल से इस चीज़ को फील कर रही थी। सोचिए कितना फ्रस्ट्रेटेड होगी, कितना वो डिप्रेस्ड फील कर रही होगी। और ये लोग तो पल भर में 2 घंटे के लिए सन देखने के बाद आज उन्हें महसूस होने लगा कि नाउ सन इज़ गोइंग फॉर 2 आवर्स एंड आफ्टर 7 ईयर्स इट विल कम अगेन, बस रोना शुरू हो गया। दे ग्लैंस्ड क्वाइटली एट द सन, अब ये लोग शांत, ग्लैंस का मतलब उसकी सन की तरफ झाँक रहे थे, देख रहे थे। ओह ओह, मतलब दुखी हो गए सब बेचारे। अ फ्यू कोल्ड ड्रॉप्स फेल ऑन देयर नोजेज, उसके बाद उनके नाक पर ठंडी ठंडी, और फिर उनके गालों पे ठंडी ठंडी, फिर मुंह पे ठंडी ठंडी ड्रॉप्स सन, वो रेन की पड़ने लगी। द सन फेडेड बिहाइंड, धीरे धीरे करके सन हल्का होते 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 हुए, और उसके बाद धुंध में खो गया। स्टर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ है ना, यहाँ पर मिस्ट की मूवमेंट के लिए। आप ज़रा सोचिए इनकी जगह होते और आपको भी पता चल जाता कि बस अब उसके बाद 7 साल के लिए फिर वही कंडीशन जिसमें वो थे, तो आप इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते, इतना ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है कि फिर वही 7 साल के लिए वही लाइफ। और जब तक उन्होंने सन को नहीं देखा तो उन्हें वो लाइफ अच्छी लगती थी, उन्हें लगता तो वही लाइफ है, लेकिन अब वो चेंज आ चुका था। अब विंड ब्लू कोल्ड अराउंड देम, उनके आसपास ठंड ठंड हवा बहने लगी। दे टर्न्ड एंड स्टार्टेड टू वॉक बैक, वो मुड़े और वॉक बैक। देखिए अब रन नहीं कर रहे हैं, वे लोग चल रहे हैं टुवर्ड द अंडरग्राउंड हाउस, उस अंडरग्राउंड हाउस की तरफ। तो दरअसल टनल्स थी, अब वो लोग वीनस में अंडरग्राउंड रहा करते थे, क्योंकि बाहर आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। देयर हैंड्स एट देयर साइड्स, और अपने हाथ उन्होंने अपने साइड में रखे हुए थे, मतलब अब वो सैड थे। दे स्माइल्स वैनिशिंग अवे, वैनिश मतलब गायब हो जाना, उनकी मुस्कुराहट सारी गायब हो चुकी थी बेचारे। आप इमेजिन करिए, मतलब विदाउट इमेजिनेशन यू कैन नॉट इन्जॉय एन स्टोरी। तो अब मूव कर रहे हैं धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके चल रहे हैं, शांत हैं, कोई रिएक्शन, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। अब बूम ऑफ थंडर स्टार्टल्ड देम, अचानक फिर एक गरजदार आवाज़ हुई, बूम ऑफ थंडर, थंडर की आवाज़ बहुत तेज। अ लाउड डीप नॉइज़ ऑफ थंडर इज कॉल्ड बूम ऑफ थंडर। स्टार्टल्ड मतलब अचानक आपको घबरा देना, डरा देना, आपको सरप्राइज फील करा देना, शॉक फील करा देना, दिस इज कॉल्ड स्टार्टल्ड। एंड लाइक लीव्स बिफोर अ न्यू हरिकेन, जैसे नया तूफान आता है तो पत्तियां हिलने लगती हैं, वैसे बच्चे हिल गए। दे टम्बल्ड अपॉन ईच अदर, और एक दूसरे पर लड़खड़ा के गिर पड़े और दौड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि डर पैदा हो गया कि जल्दी से पहुंच जाओ, क्योंकि सेफ़ प्लेस क्या थी, वही उनका अंडरग्राउंड हाउस। लाइटनिंग स्ट्रक 10 miles अवे, 10 मील दूर तक बिजली गरजने लग गई। 5 miles अवे, अ माइल, अ हाफ माइल, मतलब बिजली गरज रही थी दूर से, लाइटनिंग धीरे 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 करके नज़दीक आती जा रही थी। द स्काई डार्कन्ड इनटू मिडनाइट इन अ फ्लैश, और उसके बाद रात हो गई और स्काई डार्क हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आउटसाइड जो है वो ग्रे सीन ही रहता था, मतलब रात का जैसे बादल पूरी तरह छा जाते हैं और बिल्कुल भी सूरज नहीं होता, पानी बरसता है, तो आप देखते हैं कि बादलों के कलर का पूरा एटमॉस्फेयर नज़र आता है, वही फिर हो गया। दे स्टूड इन द डोरवे ऑफ द अंडरग्राउंड फॉर अ मोमेंट, तो कुछ देर तक तो वो डोरवे मतलब जहाँ से दरवाजे तक था उस डोरवे में वो खड़े रहे। ऑफ द अंडरग्राउंड फॉर अ मोमेंट, अंडरग्राउंड आ चुके थे वो लोग, है ना, तो डोरवे से जो आगे रास्ता जाता था, और वो खड़े हुए थे, कुछ देर के लिए खड़े रहे। स्टिल इट वाज रेनिंग, और पानी जब तक शुरू नहीं हो गया बरसना, अनटिल इट वाज रेनिंग हार्ड, यानी वो मिस करने लगे अभी कितना आनंद उठा रहे थे, और अब अचानक। देन दे क्लोज द डोर, उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड हर्ड द जाइगेंटिक साउंड, बहुत विशाल भारी भरकम आवाज़ रेन की गिरने की, मतलब अचानक तेज़ पानी बरसना शुरू हो गया। वो जो साइलेंस वाला जो एटमॉस्फेयर था वो ख़त्म हो गया, और ये लोग इसी के आदी थे, लेकिन अब चेंज आ चुका था, अब सिचुएशन बदल चुकी थी। अब उनके मन में, उनके दिमाग, मस्तिष्क में, दिल में, फीलिंग्स में, इमोशंस में सन छाया हुआ था। फॉलिंग इन टन्स एंड एवलेंचेस, तो टन्स का मतलब होता है, देखिए एक टन में 10 क्विंटल होते हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़ें अमाउंट के लिए आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा पानी बरसना शुरू हो गया। एवलेंचेज, तो जहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं वहाँ पे बर्फ़ वगैरह फिसल के गिरने लग गई, इसी वजह से लोग अंडरग्राउंड रहते थे। एवरीवेयर एंड फॉर एवर, देखिए एवरीवेयर का मतलब हर जगह वही वातावरण बन गया जो पहले था, और फॉर एवर का मतलब अब 7 साल तक यही होने वाला है, यानी हमेशा जैसी स्थिति, शायद कब दोबारा नहीं चेंज होगी स्थिति। विल इट बी 7 more years, अब फिर से 7 साल, ओह यस 7, हाँ 7। देन वन ऑफ देम गेव अ लिटिल क्राई, और इतना सुनते ही वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और रोने लगा। और साथ ही साथ ये भी फीलिंग आ गई, मार्गो, बच्चे थे ना, अनजान में उन्होंने गलती की थी, अब उन्हें महसूस होने लगा कि मार्गो सही कह रही थी, और हमने कितना उसको कष्ट दिया, उसको पनिश किया, उसको ले जाके बंद कर दिया। अब 7 साल के बाद हम सन देखेंगे, और पिछले 7 साल के बाद मौका मिला और मार्गो बेचारी उस सन को देख नहीं पाई। वॉट, अरे हाँ क्या, सी स्टिल इन द क्लोजेट वेयर वी लॉक्ड हर, वो अभी भी उसी क्लोजेट में है जहाँ हमने बंद किया था। मार्गो, दे स्टूड एज इफ समवन हैड ड्रिवन देम, मार्गो का ख्याल आते ही वो लोग जहाँ खड़े थे वहाँ का वैसे ही खड़े रह गए, और ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइव का मतलब कोई चीज़ आप मूव करते हो, देन इट इज ड्राइविंग। सो मैनी स्टेक्स इन टू द फ्लोर, यहाँ स्टेक का मीनिंग दिया, देखते हैं क्या, अ वुडन और मेटल पोस्ट यूज टू सपोर्ट समथिंग। वैसे स्टेक क्या होता है ना, जैसे खूंटा वगैरह गाड़ना, आपने देखा होगा टेंट वगैरह लगाते हैं लोग, हालांकि अब तो पोल का यूज़ करते हैं, नहीं तो ऐसे खूंटा गाड़ दिया ज़मीन में, उसके बाद यहाँ से रस्सी बांध के वो टेंट को, फिर यहाँ पे एक रस्सी बांध के ऐसे करके लगा लेते थे, तो वो स्टेक है। तो मार्गो का ख्याल आते ही वो जो जा रहे थे अंडरग्राउंड की तरफ, वो एकदम रुक गए, ऐसा लगा जैसे तमाम खूंटियाँ गाड़ के उनके रास्ते को रोक दिया गया हो। और दूसरा मीनिंग यहाँ निकल रहा है कि जैसे जगह जगह खूंटियाँ गड़ी हों और वो खूंटियाँ मूव नहीं करती हैं, है ना, तो उसी प्रकार से बच्चे जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े हो गए। लाइक स्टेक्स, दे लुक्ड एट ईच अदर एंड देन लुक्ड अवे, वे लोग एक दूसरे को देखने लगे और उसके बाद फिर एक दूसरे से दूर उस रास्ते की तरफ देखने लगे जहाँ पर जाकर वो उसको वहाँ से आज़ाद कर सकते थे। अच्छा, दूसरी चीज़ लुक्ड अवे का मतलब ये है कि एक दूसरे की तरफ देखा, उसके बाद देखते उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ, तो उन्होंने आँखें फेर ली। दे ग्लैंस्ड आउट एट द वर्ल्ड, उन्होंने संसार की तरफ अपनी आँखें घुमाई। दैट वाज रेनिंग, पीछे मुड़ के जहाँ पर पानी बरस रहा था, यानी अब उन्हें कितना सॉरो फील हो रहा था। मैं तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि 7 इयर्स के बाद ही अब उसे मौका मिलने वाला था, और उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। उस दुख के मारे बेचारे परेशान थे। नाउ एंड रेनिंग स्टेडली, पानी बराबर बरस रहा था और लगातार बरस रहा था। स्टेडली मतलब लगातार। दे कुड नॉट मीट ईच अदर्स ग्लैंस, वो एक दूसरे से आँख नहीं मिला पा रहे थे। जब आप गलत करते हो ना तो ऐसे ही होता है, क्योंकि सब ने गलती की थी। वाई डू यू थिंक दे कुड नॉट मीट ईच अदर्स ग्लैंसेज? बिकॉज दे ऑल हैड पार्टिसिपेटेड इन द क्राइम दैट दे हैड कमिटेड बाई पुटिंग मार्गो इन द क्लोसेट। अब कितनी बड़े गलत काम किया था उन्होंने कि उसको, जिसने सन को ऑलरेडी पहले देखा हुआ था, उसको उसकी झलक लेने से, उसको एंजॉय करने से उन्होंने रोक दिया था अनजाने में से ही। बट दे हैड डन अ ग्रेट ग्रेट ब्लंडर इन द लाइफ। द फेसेस वर सोलम एंड पेल, क्योंकि सोलम का मतलब होता है सीरियस। हैप्पीनेस जहाँ से गायब हो देन सोलम, और सोलम वैसे प्योर भी होता है। तो इस वक्त तो दिल में एकदम प्योर फीलिंग महसूस कर रहे थे कि हाँ दे हैड डन रॉन्ग, और इस वजह से सीरियसनेस उनके चेहरे पे आ गई थी। सोलम के दोनों मीनिंग। एंड पेल, तो चेहरे पे जब कोई रिएक्शन नहीं है, लिस्टलेस हैं, एकदम से उदास हैं, तो चार्म गायब है चेहरे का, तो पेल हो गए। येलोइश कलर। द लुक्ड एट द हैंड्स, वो अपने हाथ को देख रहे थे, अपने पैर को देख रहे थे, अपने चेहरों को देख रहे थे, यानी उन्हें ये क्या हो गया, वो क्या महसूस कर रहे हैं। और चेहरे डाउन थे तो निश्चित है कि पैर भी दिखाई देंगे, हाथ भी दिखाई देंगे। मार्गो वन ऑफ द गर्ल सेट वेल, खैर नो वन मूव्ड। देखिए वेल क्या के यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो जब आप दूसरे मतलब कुछ कह के आप दूसरे वाले से उम्मीद करते हैं वो कुछ बोलेगा, तो आप वेल का भी उस वक्त भी प्रयोग करते हो। तो एक लड़की ने कहा वेल खैर क्वेश्चन मतलब क्या करें, अब क्या करें। नो वन मूव्ड, सब स्टेक की तरह वहीं पे पड़े हुए थे, कोई मूव नहीं कर रहा। गो ऑन विस्पर द गर्ल, लड़की ने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए वो भी एक, मार्गो भी एक लड़की थी और ये भी लड़कियां हैं, लेकिन फिर भी ऐसा काम। दे वॉक स्लोली डाउन द हॉल, वो लोग हॉल में धीरे धीरे मूव करते हुए गए। और इन द साउंड ऑफ द कोल्ड रेन, बाहर ठंडा पानी बरस रहा था। दे टर्न थ्रू द डोरवे, वे लोग ऐसे मुड़े, मतलब मुड़ने का रास्ता होगा, डोरवे से मुड़े है ना, यहाँ पे दरवाज़ा लगा होगा और यहाँ पे पूरा का पूरा पूरी इनकी पूरी बस्ती अंडरग्राउंड बसी होगी। तो इस प्रकार से डोरवे फिर मुड़े। टू द रूम इन द साउंड ऑफ द स्टॉर्म एंड थंडर, तो गरज हो रही है, तूफान आ रहा है। लाइटनिंग ऑन देयर फेसेस, और जो लाइटनिंग बाहर थी उसकी चमक उनके फेसेस तक आ रही थी। ब्लू एंड टेरिबल, जनरली उन्हें वहाँ आने नहीं दिया जाता था ना, तो इसलिए बच्चे यहाँ से दूर ही रहते थे। दे वॉक्ड ओवर टू द क्लोसेट, उसके बाद क्लोसेट तक गए, डोर तक गए स्लोली, धीमे धीमे। स्टूड बाई इट, उस दरवाजे के आसपास सब खड़े हो गए। बिहाइंड द क्लोसेट डोर वाज ओनली साइलेंस, और दरवाजे के पीछे सिर्फ साइलेंस थी। बेचारी धक्का मार मार के, चिल्ला चिल्ला के, थक हार के बेचारी वहाँ पे चुपचाप निढाल पड़ी होगी। दे अनलॉक द डोर, उन्होंने डोर को अनलॉक किया मतलब खोला। इवन मोर स्लोली, और धीमे धीमे। एंड लेट मार्गो आउट, मार्गो को बाहर आने दिया। अब आप सोचिए मार्गो पे क्या बीत रही होगी। कम से कम उसे इतना तो था कि चलो थोड़ी देर के लिए सही मैं सन को फिर से देख पाऊँगी, और वो मूवमेंट भी इन लोगों ने इसे छीन लिया। अनजाने में पल भर में जो एक हैट्रेड थी, जो एक चिड़ थी मार्गो से, उस चिड़ को निभाने के चक्कर में उन्होंने कितना बड़ा गलत काम किया। हमें जीवन में कभी भी एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए। हमें कोई चीज़ पसंद नहीं, उससे हम दूरी ज़रूर बना लें, लेकिन उसको पनिश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो आपको हार्म ना पहुंचाए। वी शुड बी फॉरगिविंग, वी शुड बी अकोमोडेटिंग, दूसरों को भी अपने दिल में जगह देनी चाहिए। ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। इसका जो एंड है वो बहुत ही दुखी कर देने वाला है, और अगर आप इसे इमेजिन करेंगे, विजुलाइज़ करेंगे चीज़ों को, तो ऑलरेडी आपको पता चलेगा कि साइंस फिक्शन कितनी इफेक्टिव है ये वाली। इसके बाद यहाँ पूछा गया है कि आगे क्या हुआ होगा, आप अंदाज़ा लगाओ। मार्गो को कैसा फील हुआ होगा जब उसे दरवाजे से बाहर निकाला गया होगा कमरे से। और अगर बच्चे अपोलोजेटिक फ़ील कर रहे हो, मतलब वो माफ़ी मांगने के लिए कि भाई गलती होगी माफ़ कर दो, तो आप लोगों को ये सब सोचना है, ब्रेन में स्टॉर्मिंग करनी है, अपने आइडियाज़ देने हैं कि अब क्या चेंज आया होगा उनके जीवन में। क्योंकि देखिए मार्गो तो ऑलरेडी चेंज थी ही, तो क्या बच्चे भी मार्गो जैसे हो गए होंगे, उदास रहना शुरू कर देंगे। द लर्नर्स में प्रिडिक्ट द एंड ऑफ द स्टोरी डिफरेंटली, और इसके अलावा स्टोरी का जो एंड है वो अपने ढंग से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब जो एंड इसमें है इसके अलावा क्या एंड हो सकता है, रिविजिट कर सकते हैं स्टोरी को, स्टोरी में मतलब चेंजेस ला सकते हैं। वो मार्गो बनकर स्टोरी को मोड़ नया दे सकते हैं। एक टीचर का क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है, उसके हिसाब से स्टोरी को मोड़ दे सकते हैं। द लर्नर्स में पिक ईदर ऑफ द करेक्टर्स फ्रॉम द स्टोरी एंड प्रेजेंट द स्टोरी विद देयर ओन वर्जन, और अपनी खुद की कहानी मतलब इसी के आसपास अपनी खुद की कहानी किसी भी करेक्टर को लेके वो तैयार करके सुना सकते हैं क्लास में। और दे में ऐड डायलॉग्स, और डायलॉग जोड़ सकते हैं, सीन्स बना सकते हैं। और साउंड ऑफ रेन, प्रॉप्स मतलब चीज़ें आप बनाकर अपने हाथ से क्राफ्ट करके उन्हें अपने साथ यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी स्टोरी को क्लास में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इनके क्वेश्चन आंसर्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ओके, तो स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आई होप कि इसको पढ़ने के बाद आपका एटीट्यूड कम से कम उसके प्रति तो चेंज हो ही जाएगा। इसको आप अपने से दूर रखना पसंद करते थे, चुनते थे, हेट करते थे। थोड़ा सा अकोमोडेटिव होइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।